हेलो बच्चों, हाउ आर यू बेटा? बेटा हम लोग आज SHM को कवर करेंगे और छोटे छोटे डिफिनीशन को ज़्यादा तो हम लोग नहीं, समय के अभाव में हम लोग बहुत ज़्यादा तो उसको नहीं कवर कर सकते हैं, लेकिन जितने मेन कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कोशिश करेंगे जहाँ से हम लोग को न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो और उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा कि SHM कितने प्रकार के होते हैं वो देखना है, SHM का इक्वेशन देखना है, इसके बाद वेलोसिटी का इक्वेशन, न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए बेटा और ग्राफ के लिए एक सिस्टम बनेगा, ऐसे एक्सीलरेशन का है बेटा, इसके बाद हम लोगों की एनर्जी का पार्ट है, एनर्जी के बाद स्प्रिंग का केस है बेटा, स्प्रिंग के बाद हम लोगों का पेंडुलम का केस है। ये चार पांच जो चीज़ें हैं ये सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है बेटा। अब देखो बेटा, हाँ गुड इवनिंग बेटा। देखो यहाँ से हम लोग मेन अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखें। अब ये तो हमें पता है पीरियाडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है बेटा, ये सब तो पता है और उसकी कोई हम लोग चर्चा भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि पहले से थोड़ा सा इसलिए लिखना पड़ता है कि एक दो घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा पूरा चैप्टर कवर करना लिखने के साथ में बेटा काफ़ी टिपिकल हो जाता है, इसीलिए एक साथ थोड़ा बहुत लिखा भी रहता है कि जिससे आपको दिक्कत ना हो और तेजी से सिलेबस कवर होता चले। तो देखो जो SHM होता है वो टू टाइप्स का होता है बेटा। हाँ बेटा, हाँ सोनी जायसवाल बेटा, गुड इवनिंग बेटा। देखो टाइप्स ऑफ SHM दो प्रकार का होता है, एक लीनियर SHM होता है। लीनियर कब होता है? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है बेटा। तो मेरे ख्याल से जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको नोट करने की आप लोग कोशिश ना करें, जहां पे न्यूमेरिकल्स की जरूरत होगी वहां पे आप उस वैल्यू को नोट करिएगा बेटा, जिससे थोड़ा तेज होता चले। तो जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, वो लीनियर SHM होता है और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही इसका एग्जाम्पल होता है। स्प्रिंग को कंप्रेस करें या स्टैंड करें बेटा। दूसरा होता है एंगुलर SHM, जब वो अपने मेन पोजिशन के अबाउट क्या करता है, ऑसिलेट करता है, तो ये एंगुलर बन जाता है। तो देखो यहाँ से, और देखो कुछ इसमें डिफिनीशन अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिफिनीशन। कह रहा चार ऑप्शन दिए हुए बेटा। पहला ऑप्शन है कि पीरियाडिक मोशन क्या है, देखें आपको चेक करना है, ऑसिलेटरी क्या है और SHM क्या है, और कह रहा क्या सब सही है या कोई एक। तो देखो कहा जाता है पीरियाडिक मोशन कब होता है बेटा, जब कोई अपने पाथ को बार बार रिपीट करे सेम टाइम में सेम पाथ को बेटा, तो उसको क्या कहा जाता है? पीरियाडिक मोशन कहा जाता है। ऑसिलेटरी कब होता है? जब टू एंड फ्रो मोशन हो, यानी मीन पोजीशन के अबाउट, जैसे पेंडुलम की घड़ी होती है बेटा, जब ऑसिलेट करता है तो उसको क्या कहा जाता है? हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है। और जनरल डिफिनीशन में कहा जाता है कि अगर ऑसिलेटरी मोशन को साइन या कास के फंक्शन में लिख दिया जाए तो वही SHM हो जाता है। इसका मतलब ये तीन के तीनों बेटा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है ना, ये करेक्ट है तीनों बेटा। तो डिफिनीशन ये हो गया जो आपको पता भी है। देखें अब हम लोग मेन इस पर देखेंगे बेटा, स्प्रिंग का केस हम लोग देखेंगे यहां से, यानी सॉरी स्प्रिंग का बेटा बोल रहे हैं, वन मिनट बेटा। जो इक्वेशन ऑफ SHM है लीनियर के लिए वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देखें ये स्प्रिंग है बेटा और इसके साथ एक ब्लॉक हमारा कनेक्ट है। ब्लॉक को हम आगे की तरफ पुल करते हैं तो रेस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ, यानी रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा बेटा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है। अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो उसके अपोजिट लगेगा, कंप्रेस करेंगे तो उसके अपोजिट लगेगा। अब देखो यहाँ पे एक्सटेंशन इसका कितना हो गया? एक्स हो गया। तो डिफिनीशन SHM का क्या कहता है बेटा? देखो यहाँ तक मीन पोजिशन थी इसका बेटा और यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तब देखो कितना एक्सटेंशन हुआ, एक्स हुआ, रेस्टोरिंग फोर्स एक्सटेंशन के कहाँ लगा? अपोजिट लगा बेटा। और जब इसको डिफिनीशन देखा जाता है तो एक्सीलरेशन होता है माइनस डिस्प्लेसमेंट के। SHM का यही डिफिनीशन है बेटा कि अगर कोई पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है और उसका एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट हो तो वो SHM करेगा बेटा। माइनस क्या शो करता है कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है बेटा, यानी जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है, इसीलिए यहां पे नेगेटिव लगा होता है बेटा। अब देखो इसको जल्दी से हमने डेरिवेशन भी कर दिया, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन यहाँ पे बना दिए हैं। एक्सीलरेशन बराबर फोर्स अपान मास होता है। फोर्स का मान क्या होता है? रेस्टोरिंग फोर्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं, माइनस के इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो माइनस के एक्स हो गया बेटा। ये देखो हमारा बनाया हुआ एक्सीलरेशन है
और डिफिनीशन SHM का कहता है एक्सीलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा मेड है और ये फिक्स है बेटा, दोनों को इक्वेट कर दिया गया है तो यक्स और माइनस के बीच में जो कुछ होगा वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 1, 2 और 3 की अगर कंपेरिजन करें तो ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम दिख गया बेटा। तो ये ओमेगा स्क्वायर के बाई एम हो गया, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम हो गया। टाइम पीरियड इसका निकाला जाएगा तो 2π/ओमेगा हो जाएगा, यानी 2π√m/k बन जाएगा बेटा। जो फार्मूला आपको बिल्कुल लर्न होगा, याद होगा दिमाग में, तो ये हो गया टाइम पीरियड 2π/ओमेगा बराबर हो गया 2π/ओमेगा रख दिया जाएगा तो रिवर्स हो गया m/k हो गया बेटा। अब इसका न्यूमेरिकल्स कैसे बनता है वो देखो। एक्सीलरेशन का बेटा देखो, ये तो टाइम पीरियड का बना, मेन न्यूमेरिकल इसका कैसे बनेगा वो देखो। एक्सीलरेशन क्या होता है, db/dt, इसको छोड़ दो। एक्सीलरेशन क्या है बेटा, -k/m(x) हो गया। एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हो, db/dt, और db/dt को लिख सकते हो, फिर डबल डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट का करोगे तो वेलोसिटी आता है, तो d2x/dt2 कर सकते हो। तो जहां एक्सीलरेशन है बच्चों वहीं पे d2x/dt2 कर दो, -k/m(x) हो गया। देखें इसको इधर लेके चले जाओ तो ये इक्वेशन बन गया, और देखें यही जनरल इक्वेशन क्या बना है, d2x/dt2 k/m(x) = 0। अगर यहाँ y है तो y हो जाएगा, z है तो बेटा z हो जाएगा, जो यहाँ फंक्शन रहेगा डिस्प्लेसमेंट का वही नाम यहाँ हो जाएगा। और देखो जब इसकी कंपेरिजन करोगे तो मेरा मेन फंक्शन क्या है, d2x/dt2 यानी एक्सीलरेशन बराबर -ω²x होता है, माइनस को इधर ले आओगे तो +ω²x हो जाएगा। यानी कोई क्वेश्चन हो x और प्लस के बीच में जो दिया रहे बेटा, कंपेयर करके उसको ओमेगा स्क्वायर पढ़ लिया करो, ओमेगा निकाल लो, टाइम पीरियड 2π/ओमेगा। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखना, ये बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन में बेटा, ध्यान रखना। तो ये तो एक टाइम पीरियड हो गया, एक्सीलरेशन का एक ये बना और दूसरा ये बन गया जो इससे कंपेयर होगा बेटा न्यूमेरिकल्स में। देखें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, SHM का डिस्प्लेसमेंट y है बेटा, देखो y है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, जब y डिस्प्लेसमेंट है तो dy/dt वेलोसिटी होगा, डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो d2y/dt2 हो जाएगा, +4y = 0 कह रहा, टाइम पीरियड बता दो कितना हो गया बेटा। तो सबको ओरल दिख रहा होगा इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, सीधा दिख रहा है यहां से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो dt2+ हो गया ओमेगा स्क्वायर, और ये बेटा y = 0 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, डायरेक्ट दिख रहा है ओमेगा स्क्वायर 4 दिख रहा है, ω = 2 हो गया, t = 2π/ओमेगा हो गया बेटा, आंसर रख दो 2π/2 बराबर हो गया बेटा पाई के। चाहे यहाँ यक्स हो चाहे यहाँ वाई हो बेटा, जो फंक्शन होगा वही यहाँ पे रख दिया करो वैल्यू, y था तो y रख दिया गया, x होता तो x हो गया, जो कुछ प्लस और y x के बीच में होगा तुरंत ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करो, ओमेगा निकालो, t = 2π/ओमेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाएं, 4d2x/dt2 + 320x = 0, तो SHM का ये इक्वेशन है, कह रहा है टाइम पीरियड फाइंड आउट करो बेटा, फास्ट वर्किंग, हाँ गुड बेटा मैत्री भरद्वाज बेटा, सही है बेटा बिल्कुल। सभी बच्चों का सही आ रहा बेटा। तो यहां से देखो ये 4 को क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, तो ये हो गया d2x/dt2 + हो गया 320/4 हो गया बेटा, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में d2x/dt2 से पहले जो कुछ है वो 1 होता है बेटा। तो ये 4 नीचे आ गया, यहाँ पे x हो गया, बराबर हो गया देखो 0 हो गया, दिखने लगा होगा बेटा ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया 320/4 हो गया बराबर 80 हो गया, ओमेगा का मान जब हो जाएगा यहाँ से t = 2π/ओमेगा हो गया बेटा, बराबर हो गया 2π√8 0 हो गया, सॉल्विंग घर पे करना बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, इस पे दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने दिखा दिया। इसके बाद हमारा जो SHM होता है लीनियर और एंगुलर दोनों था, तो हम लोगों ने एंगुलर देखा बेटा, हाँ सही है बेटा बिल्कुल।
एंगुलर SHM है, पार्टिकल क्या करता है, अलोंग कर्व पाथ मोशन करता है, जैसे ये है टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट मीन पोजीशन के बेटा। तो देखो यहाँ पे सब क्या हो जाएगा, एंगुलर हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, और इस केस में बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पे मास होता है वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो देखो एंगुलर SHM है पार्टिकल, आप बहुत अच्छे से रिलेट किए होंगे बेटा कि जो स्ट्रेट लाइन में मास होता है बेटा वो रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है। तो देखो अलोंग कर्व पाथ यानी पार्टिकल जो ऑसिलेट करता है वो कैसा करता है, अलोंग कर्व पाथ। तो देखो इसका एग्जांपल है ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम बेटा, तेजी से केवल देखते चले, आपको ये सब चीजें मुझे लगता है बेसिक आती होंगी, लेकिन एक बार जो जनरल है वो मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा बॉब है जो मीन पोजीशन पर है, इसको मैंने ऑसिलेट करा दिया, तो देखो ये स्ट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा, थीटा हुआ, इधर से इधर गया, फिर इधर गया और इधर आया, तो दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया बेटा। जब इसको सॉल्व किया जाता है, देखें सॉल्व किया जाता है तो डायरेक्ट हमारा फंक्शन क्या आता है, डी टू थीटा, यानी यही हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन बना बेटा। ध्यान दो, इसको डिस्प्लेसमेंट अगर कहोगे तो ये वाई होता था वहां पर, यहां थीटा हो गया, तो डी टू थीटा अपॉन डी टी टू यानी एंगुलर एक्सीलरेशन प्लस सी अपॉन आई इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर जीरो। याद करो यहां वाई रहता था तो वहां भी वाई है, ये एक्स होता था तो ये भी एक्स है बेटा, और ये सी अपॉन आई कॉन्स्टेंट होता है। ये अभी इस पर क्वेश्चन अभी तक नीट में नहीं आया है। यही एंगुलर का हमारा SHM का इक्वेशन हो गया। आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, सी हमारा टॉर्सनल रिजिडिटी होता है, सब एग्जामिनर देगा बेटा, और थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और डी टू थीटा अपॉन डी टी टू हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रख लो, कहीं अगर आता है तो आप कंपेयर करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन में सी दिया होगा, आई दिया होगा, कंपेयर करोगे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा बराबर टू पाई अपॉन टी हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा, एक बच्चा कह रहा है कि सर जो है स्पीड आप मेट्रो से जा रहे हैं, ठीक है बेटा स्पीड हम धीमे कर देते हैं, लेकिन अब दिक्कत ये है कि पूरे ऑसिलेशन को हम लोगों को कवर करना है, और इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे वेलोसिटी का इक्वेशन दो दो बनता है, उसका ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, एक्सीलरेशन कैसे बनता है, एनर्जी का कैसे है, स्प्रिंग का कट केस कैसे बनता है बेटा, और हमारा क्या नाम है सिंपल पेंडुलम का। तो वो जो 5-6 केस हैं बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनको 2 आवर्स में कवर करना है। तो हमारी कोशिश होगी कि थ्योरेटिकल मैक्सिमम हो जाए, न्यूमेरिकल्स के लिए तो हम लोगों को मॉर्निंग में टाइम मिलता ही है बेटा, उसमें हम लोग 2 आवर्स मिलता है, जरूरत हुआ तो हम लोग ज्यादा भी पढ़ लेंगे बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रहता है, और जहां दिक्कत हो तो आप बता दिया करो बेटा। अच्छा ठीक है, रोहित का भी आ रहा है, रोहित आस्था प्लीज स्लो सर, ठीक है बेटा चलो ठीक है बेटा ठीक है बेटा ठीक है ठीक है, थ्रो स्लो कर दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, स्पीड हम लोग धीमे कर लेते हैं, ठीक है। अब इतना भी नहीं कि एकदम पैसेंजर से नहीं चलना है हम लोगों को, हाँ मेट्रो से नहीं जाना है, थोड़ा सा बीच वाले से। चलो अब यहां से देखो बेटा, हम लोग SHM का इक्वेशन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सीलरेशन का, और सब के बेटा दो दो इक्वेशन पढ़ेंगे, एक साइन कॉस के रूप में, जो इक्वेशन साइन कॉस में मिलेगा चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो बच्चों, चाहे वेलोसिटी, चाहे एक्सीलरेशन, वो केवल दो ही में काम आएगा, एक ग्राफ ड्रा करने के लिए, दूसरा बेटा अगर कहीं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या एक्सीलरेशन समय के रूप में दिया होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी से निकाल सकते हो, ध्यान रखना। तो देखें डिस्प्लेसमेंट जो हमारा SHM का है वो x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा है, ध्यान रखना अल्फा क्या है बेटा, अल्फा वो एंगल है जो इनिशियल पोजीशन से, देखें बेटा इनिशियल पोजीशन पे मेरा पार्टिकल यहां पर था, अब यहां से यहां पहुंच गया, तो t बराबर 0 से t तक पहुंचने में जितना एंगल बनता है दैट इज अवर एंगल अल्फा होता है बेटा, जो अल्फा यहां पे बना है ये फाई भी किताबों में मिलेगा, ध्यान रखना कोई भी सिंबल या आपकी फ्रीडम है, अल्फा क्या है,
कि मीन पोजीशन से यानी टी बराबर जीरो पे जब हम इसको ले चलते हैं आगे की तरफ, तो एक पार्टिकुलर समय पर बेटा जहां पहुंचता है वहां का जो बीच का एंगल होता है वही अल्फा बनता है, ध्यान रखना। तो ए एम्पलीट्यूड है, अल्फा फेज एंगल है, कहां से कहां, टी बराबर जीरो से टी बराबर टी पे। फाई को क्या कहा जाता है, अब देखो एक शब्द बेटा, अब देखो जैसे ये इक्वेशन बना सबके दिमाग में आना चाहिए बेटा कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन साइन का फंक्शन हो सकता है, यानी डिस्प्लेसमेंट साइन को फॉलो करेगा। और सभी बच्चे अच्छे हैं, साइन और कास का ग्राफ सभी बच्चों को क्लियर होगा बेटा। तो देखो ये साइन का ग्राफ, इसीलिए बेटा दोनों को पढ़ना है। अब एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, फेज होता है। कहा जाता है किसी इक्वेशन का फेज वो होता है जो साइन और कॉस के बाद लिखा होता है, ध्यान रखना। यहां कॉस का भी इक्वेशन बन सकता है बेटा, तो चाहे यहां साइन लिखा जाता है चाहे कॉस लिखा जाता है। अब चूंकि टाइम नहीं है, नहीं तो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हम दिखाते, यहां कॉस भी हो सकता है और साइन भी हो सकता है बेटा। तो साइन या कॉस के बाद जो कुछ लिखा होगा वो उस दिए हुए इक्वेशन का फेज कहलाएगा। देखो यहां क्या लिखा है, ओमेगा टी प्लस अल्फा, किसके बाद, साइन के बाद। तो देखो यही लिखा है फेज क्या है बेटा, आर्गुमेंट ऑफ साइन और कॉस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फेज बेटा, यानी फाई क्या बन गया, फेज का सिंबल फाई हो गया, ओमेगा टी प्लस अल्फा हो गया बेटा। नहीं बेटा रितेश, ऐसा नहीं है बेटा, बुलेट ट्रेन नहीं है। चलो हम धीमे कर देते हैं, लेकिन अब सिलेबस कवर करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, कोई बात नहीं। अब इससे भी धीमे शायद मुझे लगता अच्छी बात नहीं होगी। ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया, सब सिंबल आपको पता होगा, आप बेटा 12th पास होके बैठे हुए हैं तो सिंबल तो सब क्लियर ही होगा बेटा। हमने ये सिखाया कि फेज क्या होता है, तो जो साइन या कास का आर्गुमेंट होता है वही फेज, यानी जो उसके बाद लिखा होता है बेटा। ठीक है, लिख लो, हम लोग पैसेंजर पे चलते हैं बेटा। ठीक है रितेश, ठीक है बेटा, आप सही है, ओके ओके बेटा, ओके। पूनम पांडे, स्पीड इज परफेक्टली ओके, ओके बेटा, ओके। ठीक है बेटा, ठीक है, बताते रहना जहां दिक्कत हो आप मैसेज कर दिया करो बेटा, क्योंकि इस क्लास में ये मान के चला जाता है कि आपको 50% आता है बेटा, इसीलिए 2 आवर्स में कवर करने की कोशिश की बात होती है। ठीक है बेटा, अब देखो पहला इक्वेशन बन गया, क्वेश्चन बन गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन y1 दिया है और y2 दिया है बेटा, कह रहा फेज डिफरेंस बता दो 1 सेकंड में। प्यारे बच्चों, अभी जस्ट मैंने बताया साइन के बाद जो लिखा होगा उसका फेज होगा, तो पहले इक्वेशन में y1 कितना हो गया, पाई बाई 2 प्लस फाई हो गया। दूसरे इक्वेशन में फाई टू कितना बनेगा जो साइन के बाद होगा, 2π3/2π/3 टी प्लस फाई होगा, और फेज डिफरेंस क्या होगा बेटा, फाई टू माइनस फाई वन हो गया, टी बराबर 1 सेकंड रख दो, आंसर आ गया बेटा। करें फास्ट, जस्ट अभी सिखाया गया साइन के बाद जो कुछ होगा उसका फेज कहलाएगा। तो देखो दिख रहा है बेटा y1 बराबर हो गया a साइन और ये हो गया पाई बाई 2 टी प्लस हो गया फाई, तो यही क्या बन गया बेटा, साइन के बाद जो कुछ होगा फेज होगा। तो फाइ वन बराबर हो गया पाई अपान टू, टी के स्थान पे 1 रख दो, प्लस हो गया फाइ। ऐसे वाई टू लिखा हुआ बेटा, बी साइन लिखा है, सभी बच्चे कर रहे हैं, वेरी गुड। ये हो गया टी प्लस फाइ हो गया, यहां से दिख रहा है ये इसका फेज हो गया बच्चों, तो फाइ टू कितना हो गया, गुड बेटा, तो फाइ टू कितना हो गया, 2π/3 और ये हो गया टी का वैल्यू 1 रख दो, प्लस फाइ हो गया, ये फाइ टू हो गया। सीधा फेज डिफरेंस निकाल लो बेटा, तो ये कितना बन गया, यहां से फेज डिफरेंस आ गया बच्चों, फेज डिफरेंस बराबर हो गया फाइ टू माइनस फाइ वन आ गया। अब सॉल्व कर लेना, अब हमारी जरूरत तो पढ़ना नहीं चाहिए, फाइ फाइ कैंसिल हो गया, 2π/3 माइनस हो गया पाई बाई 2 बेटा, इसके बाद सॉल्व कर लेना। आंसर पाई के रूप में ही आएगा बेटा, आंसर पाई के ही रूप में आएगा, 6 LCM ले लो तो 6 लोगे तो 4π हो गया, -3π हो गया, बराबर पाई बाई 6 दिख रहा है ओवरऑल आंसर बेटा। सभी बच्चे ध्यान दें, पाई बाई 6 आंसर दिख रहा है बेटा, हाँ गुड गुड बेटा।
पूनम बेटा सही है, बिल्कुल सही है बेटा। आर्यन आपका भी सही है बेटा, बिल्कुल गुड। संजय बेटा आपका भी सही है। किसी कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन आए बेटा तो गलत नहीं होना चाहिए। हाँ सबका सही बेटा, ओके ओके बेटा, सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। कुछ बच्चों ने 5/6 पूरा लिखा, कुछ बच्चों ने फोर्थ ऑप्शन लिखा, सभी बच्चों सही, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वो इसको फास्ट करें, जस्ट अभी कराया गया है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, कंपेयर करके ओमेगा निकाल लो, ओमेगा आ जाए टी बराबर 2π/ओमेगा बेटा। मॉर्निंग में सभी बच्चे अच्छे क्वेश्चन के लिए रेडी रहें, कम से कम हम लोगों की कोशिश होगी 30 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन करने की बेटा। तुरंत करें बेटा, तो x बराबर कितना हो गया हम लोगों का स्टैंडर्ड इक्वेशन जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्लस अल्फा हो गया। यहां क्वेश्चन में कौन है 0.01 है बेटा, ये हो गया 0.01 और ये हो गया साइन, हो गया देखें साइन हो गया 100π को अंदर कर दो तो ये हो गया 100π t हो गया, प्लस हो गया बेटा 100π × 0.05, उससे हम लोगों को लेना देना नहीं, डायरेक्ट देखो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ओमेगा बराबर दिख रहा है 100π दिख रहा है बेटा, टी बराबर हो गया 2π/ओमेगा बराबर हो गया बेटा 2π/ओमेगा बराबर हो गया ये हो गया ओमेगा बराबर 100π हो गया बेटा, कैंसिल हो गया बराबर 1/50 हो गया बराबर, यहां से आ गया 0.2 बेटा, यानी फोर्थ ऑप्शन। पॉइंट टू बेटा देखो चेक करो 0.02, हाँ 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 बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट लगाओगे 10 हो जाएगा 0, बिल्कुल बेटा गुड 0.02 बिल्कुल सेकंड ऑप्शन बेटा, हाँ बिल्कुल आर्यन बेटा बिल्कुल 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 सभी बच्चों का सही है, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड बेटा। बस ऐसे आप लोग करते रहें, फटाफट क्वेश्चन देखो और कल कम से कम 30 क्वेश्चन करने के लिए आप रेडी रहें, गुड बेटा। अब देखो यहां से बेटा, हम लोग देखो वेलोसिटी का इक्वेशन निकालेंगे, सभी बच्चों के जबान पे होता है, हमने पहले ही क्लास से पहले बताया बेटा कि हर एक का दो दो इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, अगर दो नहीं पढ़ोगे मैक्सिमम बच्चों की गंदी आदत होती है बेटा बी बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रटने की बेटा, और जब भी ग्राफ आता है और टी के रूप में क्वेश्चन आता है समय के रूप में बेटा तो बच्चा वहीं फंस जाता है, क्योंकि वो कभी इक्वेशन निकाला ही नहीं होता है। आप भी अपनी वीकनेस को समझ सकते हैं और चेक कर सकते हैं बेटा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकालना है बेटा, तो dx/dt करेंगे, देखो ये a ओमेगा हो गया cos ओमेगा t प्लस अल्फा यहां करके दिखाया गया है, a हमारा बाहर हो गया d/dt हो गया, sin ओमेगा t प्लस अल्फा हो गया तो sin का cos बनेगा, ये ओमेगा t प्लस अल्फा और ओमेगा t का बेटा ओमेगा हो गया, तो a ओमेगा बाहर हो गया cos ओमेगा t प्लस अल्फा। अब जिस बच्चे ने इसको नहीं याद किया या नहीं उसके दिमाग में बेटा तो वो ग्राफ का नेचर नहीं समझ सकता, देखो दिख रहा है वेलोसिटी में ग्राफ का नेचर कास वाला फंक्शन होगा बेटा, बहुत अच्छे से साइन और कास का सभी बच्चे ग्राफ नेचर से देख रहे होंगे, तो इसका ग्राफ कैसा होगा कास का नेचर होगा बेटा। और दूसरा क्वेश्चन इससे केवल दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ग्राफ का नेचर बेटा, दूसरा कभी भी वेलोसिटी समय के रूप में अगर क्वेश्चन दिया बेटा टाइम के रूप में तो बेटा आप यहीं से फाइंड आउट करोगे, लिखा हुआ है वेलोसिटी एट एनी टाइम टी बेटा, देखो तो दो क्वेश्चन इसके बन सकते हैं ग्राफ और ये, तो इसको ध्यान रखना। ऋतिक तो बिल्कुल लीडर हो गया है भाई, हाँ सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें बेटा। और देखो सॉल्व करने के बाद b बराबर ओमेगा
ज्यादातर बच्चों की बेटा टीचर की डांट अच्छी नहीं लगती है, या टीचर अगर कुछ कहता है तो बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं भी एज ए स्टूडेंट, टीचर अगर कुछ डांटता है या कहता है, समझाता है, तो मुझे लगता है उसको फॉलो करना चाहिए बेटा, क्योंकि अपनी कमियों को हमेशा रेट करना चाहिए। तो देखो, जब सॉल्व किया जाता है तो वेलोसिटी बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज तभी करोगे बेटा जब हमारा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के रूप में दिया हो। क्वेश्चन के दोनों फंक्शन को रेडी कर लो बेटा। इस फार्मूले का यूज तब करोगे जब किसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के टर्म में दिया हो, और जो अभी कास वाला पढ़े हो बेटा वो ग्राफ और समय के रूप का होगा, तब दोगे बेटा। अब देखो बेटा, केस इसका वन बनता है, नोट करते चलो, लिखा हुआ है बहुत अच्छे से बेटा। टीचर जब भी बेटा, कोई भी टीचर एक्स वाई जेड जब भी आपको समझाता है या कुछ कहता है, तो आपकी अच्छाई के लिए बेटा कहता है। अब देखो केस वन, अगर एक्स का मान जीरो कर दिया जाए, एक्स कहां होता है, मेन पोजीशन पे होता है, देखे ये मेन पोजीशन, यहां पे डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो है, तो जैसे यहां पे एक्स का मान जीरो करोगे बेटा क्या हो जाएगा, बी बराबर ए ओमेगा होगा, और यही मेन पोजीशन का मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा बन जाता है बेटा। अब जब इसको डिस्प्लेस करके यहां ले जाओगे तो एक्स बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड बेटा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो x बराबर जीरो यानी मीन पोजीशन, तो वेलोसिटी हमारा a ओमेगा हो गया, और यही हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो गया, a ओमेगा हो गया। केस सेकंड बेटा, इफ x बराबर a तो हम कहां पहुंच जाएंगे, स्ट्रीम पोजीशन पे। जैसे फार्मूले में x बराबर a रखोगे तो b बराबर हो गया बेटा ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तुरंत वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। देखो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी हमारा मैक्सिमम बना, और स्ट्रीम पोजीशन पे हमारा वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। और बहुत अच्छे से हम लोग बेटा जानते हैं मीन से स्ट्रीम के वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है यही क्या बनता है, एम्पलीट्यूड भी होता है बेटा। यही हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन टू मैक्सिमम पोजीशन। देखो इस पे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चों बनते हैं, जब मीन पे हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम है बेटा, देखो बहुत अच्छे से, जब मीन पोजीशन पे हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम है तो जैसे जैसे स्ट्रीम पे जा रहे हैं वेलोसिटी का मान डिक्रीज करता जा रहा है, और अंतिम में स्ट्रीम पे जीरो हो जा रहा है। तो इसका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है कि मीन पोजीशन से आधे डिस्टेंस पर टाइम पीरियड इतना है, तो आधे से स्ट्रीम जाने में टाइम पीरियड इतना है, तो दोनों में रिलेशन पूछता है बेटा। तो देखें, ध्यान रखें, उसका थीम यही है कि मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, जैसे जैसे मीन से स्ट्रीम की तरफ जाते हैं वेलोसिटी मेरा डिक्रीज हो जाता है, और जब स्ट्रीम पे पहुंचते हैं तो जीरो होता है, और वहीं से रिलेशन आप बिना कैलकुलेशन से कर सकते हो। क्योंकि अगर आधे की बात कर रहा है तो मीन से आधे पर वेलोसिटी ज्यादा होगा, और आधे से पूरे स्ट्रीम तक जाने में वेलोसिटी घटता जाएगा, और अगर हमारा वेलोसिटी डिक्रीज करता जाएगा बेटा तो हमें टाइम पीरियड मेरा ज्यादा लगेगा, यानी कि कह सकते हो बेटा कि हमें एक चक्कर लगाने का समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड कम होगा तो उसी दूरी को कवर करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा बेटा। देखें ये क्वेश्चन, सबसे पहले आपको करना है, एक बॉडी है जो SHM कर रहा है, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड जब डिस्टेंस 4 मीटर है फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से वो डिस्टेंस उसको क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। फिर वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है जब डिस्टेंस 3 मीटर हो फ्रॉम मीन पोजीशन, तो उसका ओमेगा और ए बताना है बेटा। सॉल्व करें बेटा, ऋतिक बेटा क्वेश्चन सॉल्व करो फास्ट, श्रीकांत क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, निर्मल क्वेश्चन सॉल्व करो, मैसेज लिखने से ज्यादा बेटा क्वेश्चन सॉल्व करो। आकृति बेटा क्वेश्चन, हाँ गुड इवनिंग बेटा। रूपाली क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, बी वन दिया है और ए वन दिया है, यानी सॉरी एक्स वन दिया है, इसके बाद बेटा x1 4 दिया है, फिर b2 दिया है, x2 दिया है, उसका ओमेगा पूछा है कॉमन और a पूछा है बेटा। सभी बच्चे सॉल्व करें और आंसर बताएं।
बी बराबर हो गया ओमेगा अंडर रूट हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का आप हेल्प लोगे बेटा। पहले देखो b1 हो गया तो b1 बराबर ओमेगा अंडर रूट हो गया a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, b1 बेटा दिया है 3 बराबर ओमेगा हो गया अंडर रूट हो गया a स्क्वायर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन बराबर हो गया 4 का स्क्वायर हो गया बेटा, ये इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे दूसरे के लिए b2 बराबर बेटा ओमेगा, हाँ सभी लोग सॉल्व करें साथ में बेटा, ये हो गया a2 स्क्वायर माइनस हो गया बेटा x2 स्क्वायर, b2 का मान दिया है 4 मीटर पर सेकंड बराबर ओमेगा हो गया बेटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस हो गया देखें मीन पोजीशन से 3 का स्क्वायर हो गया बेटा, ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, जैसे डिवाइड करोगे वैसे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा a आ जाएगा और a का मान 1 या 2 में रख दो बेटा ओमेगा आ जाएगा। अब सभी बच्चे सॉल्व करें इसके बाद। ओके बेटा अच्छा बेटा राकेश राय ऑप्शन 4, अच्छा बेटा रोहन ऑप्शन 4 बेटा, ठीक है दोनों को डिवाइड करके खुद सॉल्व करें, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं बेटा। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, 3 अपान 4 बराबर ओमेगा, ओमेगा कट गया, a स्क्वायर माइनस 16 अपान a स्क्वायर माइनस 9 हो 9 हो गया बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 9 अपान 16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a फाइंड कर लो, जब a आ जाए तो इक्वेशन 1 या 2 में रख दो बेटा, हमारा आ गया आंसर बेटा। ओके बेटा ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, दोनों को डिवाइड किया गया, डिवाइड 1 एंड 2, यहां से स्टेप लिख दे रहे हैं फाइंड एम्पलीट्यूड, इसके बाद पुट ए इन 1, फाइंड ओमेगा बेटा। सभी बच्चों का कैलकुलेशन अच्छा है, हाँ बेटा डैम्पिंग ऑसिलेशन कराना ही कराना है बेटा, रवि डैम्पिंग ऑसिलेशन कराना है बिल्कुल 100% बेटा, और डैम्पिंग का आपको ट्रिक बता देंगे, डैम्पिंग की यही खास बात है बेटा कि इसका ओरल आंसर आता है, पेन उठाना ही नहीं होता है, जब भी रहेगा तो स्क्वायर क्यूब पावर 4, 6, 8 के फैक्टर में ही होता है, देख के आंसर पे टिक मार दो बेटा। चलें नेक्स्ट देखें बेटा, एक्सीलरेशन की बात हम करेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ एसएचएम वेलोसिटी का फंक्शन अभी जस्ट ये पढ़ा गया था बेटा, डिफरेंशिएट कर दो तो क्या बन गया डीबी अपॉन डीटी, जैसे करोगे बेटा तो ये हो गया ए ओमेगा साइन कास का माइनस साइन होता है ओमेगा टी प्लस ओमेगा हो गया, ओमेगा टी का ओमेगा हो गया, ये इक्वेशन बन गया। देखो सभी बच्चों को दिखने लगा होगा एक्सीलरेशन माइनस में है, नेचर साइन का होगा, इसका मतलब ओरिजिन से नीचे ग्राफ जाएगा, देखें ग्राफ का नेचर तो साइन होगा बच्चों लेकिन ओरिजिन से माइनस है तो इसका मतलब ओरिजिन से नीचे ऐसे ग्राफ जाएगा, ऐसे चल के ऐसे ग्राफ जाएगा बेटा, तो ये किसके लिए इक्वेशन है ग्राफ के लिए, और जब एक्सीलरेशन ये पूछा जाए किसी पार्टिकुलर टाइम में, इसीलिए हर एक का बेटा मैं दो दो फार्मूला बताया हूं, डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी का और एक्सीलरेशन। अब जो बच्चा इसको नहीं करेगा वो बेटा आज तो नहीं कल मॉर्निंग में उसको क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत होगी, ध्यान रखना जल्दी से नोट कर लें। अब देखो जब सॉल्व किया जाता है तो एक्सीलरेशन आ जाता है बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्ट लिखो माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो मीन पोजीशन पे एक्स का मान जीरो कर दोगे तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, स्ट्रीम पे एक्स बराबर ए जानते हो एम्पलीट्यूड के बराबर होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा बेटा, तो जल्दी जल्दी नोट कर लो, ज्यादातर मैक्सिमम बच्चों को फार्मूला याद भी होगा, कौन सा नहीं याद होता है ये साइन कास वाला मैक्सिमम बच्चों को दिमाग में नहीं होता बेटा, तो उसको आज ही कॉन्फिडेंस वो 2-3 बार बेटा लिख के याद कर लेना, ध्यान रखना। अच्छा बेटा ठीक है बेटा, ठीक है ज्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं बेटा कि नोट तो बाद में हो जाएगा, बिल्कुल सही है बच्चों का, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस भी कवर हो जाए, ठीक है बेटा ठीक है। ओके बेटा सही है बेटा, तो ये फार्मूला हो गया, इसको अपना दिमाग में रखो, ये मीन पोजीशन बन गया बेटा, ये हमारा स्ट्रीम हो गया, ये देखो
यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, यहाँ एक्सीलरेशन जीरो हो गया। देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर है, एक्सीलरेशन इधर है बेटा, इसीलिए एक्सीलरेशन के साथ माइनस लिखा होता बेटा, क्योंकि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन रिवर्स है। देखो पिक्चर में दिख रहा है बेटा, हाँ ठीक है बच्चों, ये भी राय सही है कि स्पीड को, ठीक है बेटा, ओके 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 बेटा ओके। चले इस क्वेश्चन को करें। एक पार्टिकल है 10 ग्राम, बिल्कुल सही है बच्चों। नोट तो हम लोग पीपीटी जाता है बाद में भी कर लेंगे, अगर पूरे एसएचएम को कवर करना है बेटा डैम्पिंग ऑसिलेशन को, तो हम लोगों को तेज थोड़ा सा पढ़ना ही होगा बेटा। तो सबसे अच्छा है कि आप फार्मूले को केवल नोट करो, जितना और पार्ट हो पीपीटी चला जाएगा आपके पास, उसको देखें बेटा, और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल पे ध्यान दें। बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि 40 मिनट का क्लास हो चुका है। पार्टिकल का मास 10 ग्राम है, एसएचएम कर रहा है, एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, पीरियड इसका टाइम पीरियड 0.1 सेकंड है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स बताना बेटा, फास्ट वर्किंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन बेटा, कहीं से एक्सीलरेशन ले आओ बेटा, एक्सीलरेशन क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या एग्जामिनर कहा है, मैक्सिमम वैल्यू बेटा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग जानते हैं, मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक्स बराबर ए होता है, तो यहां से एक्सीलरेशन बराबर हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड। अब दोनों ए हो जाएगा, तो बेटा हम इसको भाषा में लिख दे रहे हैं कि ये बनेगा हमारा एम्पलीट्यूड हो गया बेटा। तो देखो ये बराबर हो गया, यहां से एक्सीलरेशन का मान, एक्सीलरेशन हम लोगों को लाना है, बराबर हो गया ओमेगा के स्थान पे 2π/T रख रहे हैं, सॉल्विंग घर पे कर लेना, मैग्नीट्यूड ले लो, एम्पलीट्यूड दिया हुआ बेटा 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो 10^-2, दैट इज अवर एक्सीलरेशन। इसका मान बेटा कहाँ रख दो, लगभग कहाँ इसमें रख दो, इक्वेशन वन में रख दो। तो इक्वेशन वन क्या बन गया बेटा, देखो 1 becomes रख दोगे तो ये क्या हो गया, 1 becomes हो गया, F बराबर m a हो गया, मास हमारा 10 ग्राम है, 10^-3, एक्सीलरेशन यहां से सॉल्व करके बेटा रख लेना, जो आए वो अप्रॉक्स आंसर ले लेना, ठीक है बेटा। गुड बेटा, गुड गुड आका, सही है बेटा, श्रुति सही आंसर आपका, गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को जल्दी से देखना, देखें इसीलिए बेटा ये लिखा गया था, अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम लोग साइन में ना जानते बेटा, तो साइन का ये ग्राफ हम लोग ना जान पाते। देखें साइन का ये ग्राफ हो गया, क्योंकि यहाँ साइन है तो पता ही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारा प्लस ए हो गया और ये हमारा निगेटिव में माइनस ए हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट बना पॉजिटिव और निगेटिव हो गया बेटा। अगर जरूरत हो तो यहाँ पे इसको फिल कर सकते हो, ये हमारा T/4 हो गया, ये T/2 हो गया, ये 3/T/4 हो गया, यहाँ से ये बेटा T हो गया। बेटा मैक्सिमम ए क्यों होता है, एम्पलीट्यूड का डिफिनीशन होता है मीन पोजीशन से बेटा। एक बच्चे ने पूछा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड क्यों, तो डिफिनीशन एम्पलीट्यूड का है बेटा, क्लास 6 से आ जाता है कि मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है बेटा। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसी का एम्पलीट्यूड है, इसीलिए एक्स के स्थान पर ए आ जाता है बेटा, क्योंकि एक्स हमारा मैक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, वही एम्पलीट्यूड बन जाता है। तो अगर ये ना पता चलता कि इसका नेचर बेटा ये है, तो हम लोग ग्राफ ना ड्रा कर पाते। तो देखो ये ग्राफ हो गया साइन का। अब देखो वेलोसिटी टाइम का, देखो बेटा अगर ये ना जानते आप बेटा, देखो यही लिखाया गया था, बी बराबर ए ओमेगा कास ओमेगा टी प्लस अल्फा, कास आते ही दिमाग में आ गया कि वेलोसिटी का ग्राफ बच्चों कैसा होगा, कास का फंक्शन होगा। देखो कास का फंक्शन सभी बच्चे जानते होंगे, कास का ग्राफ ऐसे बनता है बेटा। तो देखो यहाँ पे प्लस ओमेगा हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट इज अवर मिनिमम वेलोसिटी, माइनस ओमेगा हो गया बेटा, और यहाँ पर देखो टाइम T/4, 2T/4, 3T/4 और टाइम पीरियड ए, यहां से चल के यहां तक एक टाइम पीरियड हो गया। यही ना जानने से हम लोग ना पता पाते बेटा कि इसका नेचर कैसा होगा कास का, इसीलिए दोनों को हमने बनवाया है बेटा। हाँ बेटा गुड इवनिंग, देखो वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत पूछा जाता है। यहाँ कुछ वैल्यू दे देगा एग्जामिनर, मान लो यहाँ 4 दिया है, यहाँ -4 देगा,
यहां 10 दिया है, यहां माइनस 10 देगा, और कुछ भी वैल्यू जो यहां दिया होगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, यहां जो दिया होगा वो एम्पलीट्यूड बनेगा बेटा। तो ध्यान रखना इस ग्राफ को, वेलोसिटी और पोजीशन का ये ग्राफ है बेटा। देखो ये वेलोसिटी है और ये पोजीशन है, मेरा पोजीशन मीन पोजीशन से कहां हो सकता, इधर जाएगा तो प्लस एम्पलीट्यूड होगा और इधर जाएगा बेटा तो माइनस एम्पलीट्यूड होगा बेटा। तो देखिए ये मीन पोजीशन से इधर प्लस होगा और इधर बेटा माइनस हो जाएगा, तो यही ये बना हुआ है, ये हमारा प्लस एम्पलीट्यूड हो गया मीन पोजीशन से और इधर नेगेटिव में देखो माइनस एम्पलीट्यूड हो गया बेटा, और ये हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया बेटा। तो बना लो, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत है बेटा। नहीं बेटा नहीं, कास का ग्राफ नीचे से नहीं शुरू होता। नहीं बेटा नहीं 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 नहीं, कास का ग्राफ नीचे से नहीं शुरू होता बेटा। नाम लिखा हुआ है टर्बो गेमिंग, अब बेटा नाम आप अपना चेंज किए हो, कास का ग्राफ नीचे से नहीं स्टार्ट होता बेटा, बिल्कुल नहीं बेटा, कास का ग्राफ हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता बेटा। देखें क्वेश्चन बन गया बेटा, देखें क्वेश्चन बन गया, वेलोसिटी और पोजीशन में ग्राफ है। सभी बच्चों को देखो, सब बच्चे मुस्कुराने लगे होंगे कि इसका आंसर समझ में आ गया होगा। ये प्लस ए दिया है, ये माइनस ए दिया है, ये बी मैक्स दिया है, यानी ए ओमेगा पॉजिटिव, ये ओमेगा नेगेटिव बेटा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका टाइम पीरियड बता दो, सभी बच्चे फास्ट वर्किंग करें। हाँ बिल्कुल बेटा योगिता सही है, अगर निगेटिव में होता तो नीचे से ग्राफ सही होता बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, बाद में कॉपी कर लेना। ओके बेटा सही है, तुरंत इसका आंसर दो बेटा। ठीक है बेटा, थ्योरेटिकल पोर्शन पे हम बस दिखा के रुकेंगे नहीं, जिससे आप लोगों का सही कहना है, हम लोग फास्ट वर्किंग करेंगे, बाद में कॉपी कर लेना। इसका आंसर सॉल्व करें बेटा। अच्छा बेटा देखो दिख रहा है बी मैक्स, अभी जस्ट ग्राफ पढ़ा गया है, 0.4 दिया है, एम्पलीट्यूड का मान देखो 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना बेटा। अब डायरेक्ट आप वैल्यू रख दो, कह रहा टाइम पीरियड की बात कहा है, तो बी मैक्स बराबर हो गया ए ओमेगा हो गया, ये बराबर आ गया है 0.4 हो गया बेटा, इसी को तो बी मैक्स पढ़ोगे। देखे अभी जस्ट पढ़ा गया है, यही हमारा एम्पलीट्यूड हो गया प्लस ए बेटा, बराबर हो गया यहां से 10 × 10⁻², ओमेगा हो गया, यहां से क्या फाइंड कर लेना, ओमेगा फाइंड कर लेना, जैसे ओमेगा आ जाए टाइम पीरियड 2π/ओमेगा बेटा, सॉल्विंग घर पे। ओके बेटा, ओके 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 ओके, हाँ गुड, सॉल्विंग अपना कर लेना बेटा जो सबका आए। हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड सभी बच्चों को आता है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, गुड बेटा, गुड बेटा, गुड गुड, सही आकाश बिल्कुल सही, जो आए वो अपने हिसाब से कर लेना बेटा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अभी इस क्वेश्चन पे मैंने डिस्कशन किया था कि x बराबर प्लस माइनस ए डिस्प्लेसमेंट है, कह रहा है जीरो से यानी मीन पोजीशन से a/2 तक t1 समय लगता है, तो a/2 से a तक t2 लगता है, तो t1 और t2 में क्या रिलेशन होगा बेटा, T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा। ओके बेटा, ओके शिवम, खुशी बेटा का स्पीड सही है या थोड़ा तेज किया जाए, सभी बच्चे सॉल्व करें, T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा। देखें ऐसे आप पिक्चर बना सकते हैं, अभी जस्ट डिस्कस किया गया बेटा, बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मीन पोजीशन हो गया, यहां पे हम स्ट्रीम बना ले रहे हैं, देखें स्ट्रीम बना लिए, आधे डिस्टेंस पर देखें 0 से a/2 तक, देखें a/2 तक समय t1 लगा, और a/2 से a तक समय कितना लगा t2। देखो बेटा अभी जस्ट इस पे हमने 2 मिनट समय दिया था कि जब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, जब मीन पोजीशन पे हमारा वेलोसिटी ज्यादा है तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वेलोसिटी मेरा कम होता जाएगा,
वेलोसिटी मेरा कम होगा तो निश्चित है ओरिजिन से यानी मेन पोजीशन से a by 2 तक वेलोसिटी ज्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, a by 2 से a के रिस्पेक्ट में बेटा। तो निश्चित है यहां वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो निश्चित है समय कम लगेगा बेटा। अगर हम तेज किसी डिस्टेंस को कवर करेंगे तो हमें कम समय लगेगा, और धीरे धीरे उसी डिस्टेंस को कवर करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो यहां इतने में स्पीड ज्यादा है बच्चों, निश्चित है समय कम लगेगा, इसमें स्पीड कम है बच्चों, निश्चित है समय ज्यादा लगेगा। दिख रहा बेटा सारी T1 is less than T2 बेटा, बिल्कुल सभी बच्चों का सही है, T1 is less than T2। सॉरी बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट वर्किंग करके दिखाएं बेटा। कोई पार्टिकल SHM कर रहा है, एम्पलीट्यूड A है, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी B नॉट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बताना है 3/A4 डिस्टेंस पे। मैंने कहा है कि अगर बेटा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के रूप में दिया हो तो B बराबर ओमेगा अंडर रूट A स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर का यूज करोगे बेटा। नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा। मैक्सिमम वेलोसिटी जहां पे ए ओमेगा होगा बेटा खुशी, वहां पे बी नॉट रखोगे, और कह रहा है स्पीड बता दो जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जानी एक्स बराबर 3a/4। जैसे डिस्प्लेसमेंट फंक्शन में आएगा बेटा वैसे हम लोग बाद में तुरंत उसका फार्मूला बी बराबर ओमेगा वाला रख लेंगे, तुरंत ये फार्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहां से b बराबर हो गया ओमेगा हो गया, अंडर रूट हो गया बेटा a स्क्वायर माइनस, सब कैपिटल में है, कैपिटल में ले रहे हैं, ये हो गया इसको a स्क्वायर कह दो, माइनस हो गया बेटा 9a² / 16 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया ओमेगा हो गया बेटा 16 - 9 हो गया 7a² हो गया, 7a² / 16 हो गया, बराबर हो गया a ओमेगा हो गया / 4 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया बेटा। यहां से दिख रहा बेटा a ओमेगा ही मैक्स दिया हुआ है, देखो a ओमेगा के स्थान पे b नॉट दिया हुआ है, तो यहां से वेलोसिटी क्या बन गया, वेलोसिटी बराबर हो गया a ओमेगा / 4 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, a ओमेगा ही बेटा मैक्स वेलोसिटी है, मैक्स वेलोसिटी को a ओमेगा कहा गया, इसी को एग्जामिनर b नॉट कह दिया, तो वेलोसिटी बराबर हो गया b नॉट / 4 अंडर रूट 7 बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी को बी नॉट उसने बोला बेटा। हाँ गुड, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, सभी बच्चों का सही, वेरी गुड। सभी बच्चों का सही है, बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हम लोगों को देखना था, देखें अगर ये ना जानते बेटा, अब देखो बेटा, देखो जो बच्चा अभी कंफ्यूज था बेटा वो देखें, यहां पे माइनस है और साइन है बेटा, खूब अच्छे से देखो साइन है, तो साइन का ग्राफ अगर यहां प्लस होता बच्चों तो जैसे डिस्प्लेसमेंट बना था ऐसे बनता, लेकिन माइनस है तो माइनस के साथ बेटा क्या होगा, नीचे से ओरिजिन के नीचे से चलेगा, तो देखो साइन का पल्स है, अगर पॉजिटिव होता तो ग्राफ ऐसे ऐसे बनता बेटा, लेकिन माइनस है तो देखो ओरिजिन के नीचे चलेगा, सेप साइन वाला ही होगा बेटा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा बेटा। तो देखो ये हमारा पॉजिटिव ए ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये निगेटिव ए ओमेगा स्क्वायर हो गया बेटा। क्लियर है बेटा, माइनस होने की वजह से देखो नीचे से हो गया और ग्राफ का नेचर साइन ही रहेगा बेटा। ओके बेटा, हाँ ठीक है, कॉपी अपना घर पे करते रहना, सही है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत क्वेश्चन है, जैसे अभी वेलोसिटी वाला क्वेश्चन तो नहीं था बेटा, ऐसे एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का भी बहुत क्वेश्चन होगा, या ऐसे ग्राफ बना रहेगा, यहां पे मान लो 6 लिखा हुआ है तो यहां -6 लिखा होगा, यहां पे 10 लिखा होगा, तो तुरंत ये समझ लेना कि ये ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है और ये एम्पलीट्यूड दिया है, तो एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ये ग्राफ बनता है बेटा, ये वही है माइनस ए से प्लस ए तक जोड़ा जाता है, देखो यहां माइनस ए यहां प्लस ए, तो जोड़ने का ये रास्ता है, ये हमारा बन गया ओरिजिन से इधर की तरफ स्ट्रेट लाइन बन गया बेटा।
ये ग्राफ ये वाला और वेलोसिटी वाला जरूर दिमाग में रखना, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। अब हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले, और इसका भी ग्राफ के लिए हम लोग साइन कॉस पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि ये ग्राफ शायद आप लोगों में कॉस वाला सॉरी काइनेटिक या पोटेंशियल का ग्राफ आ चुका है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी या पार्टिकल में काइनेटिक पढ़ना है बेटा, पोटेंशियल पढ़ना है, टोटल एनर्जी पढ़ना है, और सभी का ग्राफ ड्रा करना है आपस में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अब ग्राफ के लिए अगर पढ़ना बेटा तो वेलोसिटी देखो पढ़ चुके हो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया बेटा, याद होना चाहिए। इस बी स्क्वायर का मान यहां पुट कर दो तो देखो ये आ गया, तो बी स्क्वायर का मान यहां पुट करोगे तो आंसर आ गया हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा स्क्वायर टी। ये किसके लिए है, केवल ग्राफ के लिए बेटा। देखो ग्राफ का नेचर कैसा हो गया, कॉस हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है और टी का मान जब बैरी कराओगे तो इसका नेचर निगेटिव नहीं होगा, तो ग्राफ तो कॉस होगा लेकिन ओरिजिन के ऊपर ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि ओरिजिन के नीचे ग्राफ नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है और समय से भी चेक करोगे तो ये निगेटिव में नहीं जाएगा बेटा। इसीलिए दोनों वैल्यू को याद रखो। अब अगर मैथमेटिकल देखना है तो बी स्क्वायर के स्थान पे बी बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता, स्क्वायर करके बी स्क्वायर की वैल्यू रख दो बेटा। तो ये हो गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, ये बन गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया बेटा। मीन पोजीशन पे x बराबर 0 होता है, x 0 करोगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मैथमेटिकल है बेटा तो कोई स्पीड उसमें कोई डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए सब लोग बेटा तीन डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन वेलोसिटी का, इसी तरीके काइनेटिक पोटेंशियल का भी आप साइन और कॉस वाले फंक्शन जरूर याद रखो, ग्राफ कभी गलत ही नहीं हो सकता बेटा। इस पार्टिकुलर केस की बात हो रही है बेटा राकेश, बेटा इसका पार्टिकुलर केस का हो रहा है, जब समय का फंक्शन यहां रखोगे जीरो रखोगे टी बाई फोर टी बाई टू तो यहां पे निगेटिव नहीं होगा बेटा, ये ध्यान रखना, वर्क पावर एनर्जी से उसको मत सोचना बेटा। तो देखें स्ट्रीम पोजीशन पे x बराबर a हो गया बेटा, देखो स्ट्रीम पोजीशन से x बराबर a हो गया तो x का जैसे a मान रखोगे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, क्योंकि स्ट्रीम पे बेटा देखो स्ट्रीम पे जब हमारा वेलोसिटी जीरो होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो अगर इसका ग्राफ खींचना है, इस पार्टिकुलर केस के लिए पॉजिटिव होगा, स्मॉल टी का मान जीरो रखो टी बाई फोर रखो बेटा टी बाई टू रखो, ऐसे रखते चले जाओगे तो ग्राफ इसमें जो कॉस का फंक्शन हो निगेटिव में नहीं दिखेगा, सब पॉजिटिव में दिखेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कॉस से है इसीलिए देखो ऊपर से ग्राफ ऐसे चलता चला गया। ये पूरा ग्राफ नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि टी का मान देखो टी बाई फोर टी बाई टू थ्री टी बाई फोर टी ऐसे रखते चले जाओगे तो सब पॉजिटिव वैल्यू आती है, निगेटिव आती ही नहीं बेटा, इसीलिए ग्राफ सब ओरिजिन के ऊपर है। लेकिन नेचर कैसा होगा, कॉस का नेचर होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कॉस के रूप में है बेटा। क्लियर है बच्चों, ओके बेटा। दूसरा देखें पोटेंशियल एनर्जी का, डायरेक्ट हमने लिख दिया है, डेरिवेशन नहीं करना है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है। मीन पोजीशन पे रखोगे तो यक्स जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, स्ट्रीम की बात करोगे तो यक्स बराबर ए हो जाएगा, यहां पे ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा। और इसका जब मैथमेटिकल लिखा जाता है बेटा ग्राफ के लिए तो कॉन्सेप्ट लिया जाता है पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स माने डिस्प्लेसमेंट रखोगे तो साइन का फंक्शन आ जाता है बेटा, ध्यान रखना। एक मिनट बेटा जरा, एक बच्चे ने ग्राफ कहा एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा बेटा, जो अभी हमारा काइनेटिक एनर्जी ये आया था देखो इसको, ये जो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन जो काइनेटिक एनर्जी का है, ये स्मॉल टी क्या है, टी बाई फोर हो सकता है, टी बाई टू हो सकता है, थ्री टी बाई फोर हो सकता है, और टाइम पीरियड टी हो जाएगा।
कोई भी यहाँ वैल्यू रखोगे तो देखोगे सब पॉजिटिव आता चला जाएगा बेटा। जब पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है ये कि ओरिजिन के कहाँ चला जाएगा, सब ऊपर ही रहेगा। ध्यान रखना यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट लिया जाता है। स्मॉल टी का मान जीरो रखो, टी बाई फोर रखो, टी बाई टू रखो, थ्री टी बाई फोर रखो, टाइम पीरियड टी रखो, सब वैल्यू पॉजिटिव आते चले जाएंगे बेटा। वहां से इस वैल्यू को लिया जाता है ग्राफ का। तो इसीलिए कास होने की वजह से ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, क्योंकि कास का यही नेचर होता है और ये सब पॉजिटिव ही है, इसीलिए ओरिजिन के ऊपर ही रह गए बेटा ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी हाफ या ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। ये पूरा डेरिवेशन दो पन्ने के बाद आता है बेटा, वर्क डन से निकाला जाता है। तो अब चूंकि हम लोगों को नीट का एग्जाम देना है तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। मीन पे एक्स जीरो हुआ तो यू जीरो हो जाएगा, स्ट्रीम पे एक्स ए होगा तो ये बन गया बेटा। और ग्राफ के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ एक्स स्क्वायर का सहारा ले लो और एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा होता है डिस्प्लेसमेंट। जब यहाँ पे स्क्वायर करके रखोगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। साइन आने से पता चल गया बेटा, देखो साइन आने से पता चल गया बच्चों कि ये किसका ग्राफ है, साइन का। तो देखो जब यहां भी टी का मान जीरो टी बाई फोर सब रखते जाओगे तो निगेटिव नहीं आएगा, इसीलिए देखो ये भी ओरिजिन के ऐसे चलता चला गया, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि साइन का नेचर ये होता है। देखो जनरल ये होता है लेकिन निगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि टी का मान टी बाई फोर जीरो सब रखोगे तो पॉजिटिव ही दिखेगा बेटा आपको, तो इसीलिए ओरिजिन के ऊपर है। अब इसका जो बच्चे बनाना चाहते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल को आपस में जोड़ के बना देना बेटा, हो सकता है फ्यूचर में वो बन जाए। तो पोटेंशियल वाला देखो ऐसे बना था, तो ऐसे चल के ऐसे बनता चला जाएगा पोटेंशियल और काइनेटिक का ग्राफ बेटा। तो दोनों को ऐड करके भी बना सकते हो, एक ग्राफ कर सकते हो। तो इसीलिए अब आपको इसकी कीमत समझ में आ गई होगी बेटा कि अगर साइन और कास हम लोग नहीं जानेंगे तो कभी भी बेटा उतना बेटा हमारा ग्राफ का हम नेचर नहीं समझ पाते, इसीलिए सबके लिए हमने साइन कास बना दिया बेटा। तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। साइन का शायद बेटा काइनेटिक एनर्जी का नीट में आ चुका है और पोटेंशियल का कभी भी आ सकता है, टोटल का आपस में, या काइनेटिक पोटेंशियल को एक साथ मिक्स करके आ सकता है बेटा। अब टोटल क्या बनेगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों को सम कर दोगे, ब्रैकेट खोल दोगे बेटा, तो हाफ एम ए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ये माइनस में आ जाएगा, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर बन जाएगा बेटा। तो काइनेटिक का टोटल और पोटेंशियल बेटा जबान पे याद कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करना है तीनों के लिए, और सबका ग्राफ मैं आपको लगातार बता रहा हूं बेटा। साइन कास नहीं जानोगे, ग्राफ आपको बेटा बहुत परेशान करेगा, ध्यान रखना। इसीलिए सबका मैंने साइन कास दिखा दिया जो आप रखते थे। ये टोटल एनर्जी आ गया। चले क्वेश्चन करें फास्ट वर्किंग बेटा। एक बॉडी है जो SHM कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड A है बेटा, कह रहा है डिस्प्लेसमेंट बताइए फ्रॉम मीन पोजीशन जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी हो। फास्ट वर्किंग सभी बच्चों का 1 मिनट के अंदर आना चाहिए आंसर। वो डिस्प्लेसमेंट बताना है जब इसका पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 1/4 हो जाए बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी 1/4 टोटल एनर्जी बेटा। पोटेंशियल का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, एक्स स्क्वायर हो गया बराबर 1/4 हो गया, ये बना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बेटा। यहां से देखो हाफ या ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर अपान कितना आया बेटा, फार्मूला यही है ना, 1/4 था टोटल एनर्जी और पूछ रहा एक्स का मान हो गया, तो ये हो गया हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर अपान फोर हो गया, यहां से एक्स बराबर ए बाई टू आ गया बेटा। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल गुड, वेरी गुड बेटा, सभी का आंसर सही है, गुड बेटा। देखें ये ग्राफ बार बार आपकी नजर से गुजर रहा होगा बेटा, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होगा, ये वर्क पावर एनर्जी में भी आप पढ़े होंगे, यहां भी है बेटा, दोनों में सेम ग्राफ है। टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, ये एनर्जी है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। देखो
नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखें ये नीचे से ऊपर की तरफ है और यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ है, देखें ये यहाँ भी थीम ले सकते हो, जनरल थीम ले सकते हो कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है और ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा पोटेंशियल घटता है, काइनेटिक बढ़ता है बेटा। और ओरिजिन पे आके जब मतलब ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं, मैक्सिमम पर पहुंच जाते हैं, यानी ग्राउंड पे हम जब हम आ गए तो हमारा काइनेटिक जीरो हो गया। तो देखें ये वाला हमारा काइनेटिक बना, ये काइनेटिक बना और ये वाला टोटल बना। सभी बच्चों के कम से कम ये 9 से लेके और 12th पास करते करते कम से कम 100 बार उनके दिमाग में घूमता होगा, ये वर्क पावर एनर्जी में भी है बेटा, तो इसमें कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, चलो स्प्रिंग का केस हम लोग देते हैं, ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग देखते हैं बेटा। देखें ये स्प्रिंग है बेटा और इसमें ब्लॉक हैंग देखो बंधा हुआ, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है और देखो एक स्प्रिंग ये है, ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ये वर्टिकल रखा हुआ है। तो जब इसको सॉल्व किया जाता है तो इसका टाइम पीरियड सभी बच्चों के जबान पे होगा 2 पाई अंडर रूट या मपान क्या होता है बेटा, के होता है। तो बस देखते चलो क्योंकि इसका एप्लीकेशन हम लोगों को पढ़ना है। तो दोनों केस में टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है बेटा, चाहे हॉरिजॉन्टल रखा हो चाहे वर्टिकल रखा हो, इसलिए दोनों फिगर बने हुए बेटा, सबका एम अपान के बनेगा। देखो इसमें यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स बन जाता है, उसको देख लो बेटा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आज तो नहीं टाइम है, कल मॉर्निंग में इसका न्यूमेरिकल्स कराएंगे। न्यूमेरिकल्स इसका बहुत अच्छा बनता है, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देगा, देखो सभी बच्चे इसको M1 कह देगा और इसको M2 कह देगा, एक ब्लॉक और इसी में हैंग कर देगा, कहेगा M2 को हटा दिया गया तो M1 का डिस्प्लेसमेंट बता दो और M1 का टाइम पीरियड बता दो। तो देखो वहां पर ये काम आएगा कैसे, M अपान K जो T बराबर 2 पाई अंडर रूट M अपान K होता है वो बेटा लेंथ अपान G के हो जाता है, जितना डिस्प्लेसमेंट होता है। देखें ये हमारा स्प्रिंग है जिसमें मास M हैंग है, जब इसको अपने वेट से इसको हैंग किया गया, देखो ये अपने वेट से इसको हैंग किया W बराबर mg, तो स्प्रिंग मेरा एक्सटेंड हो गया X बेटा। रेस्टोरिंग फोर्स देखो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लग गया तो रेस्टोरिंग फोर्स बराबर माइनस के एक्स हो गया। और इक्विलिब्रियम में बेटा कब तक खींचता रहेगा, जब तक वेट mg fr के बराबर ना हो जाए, तो इक्विलिब्रियम में fr बराबर mg हो गया, fr हमारा kx हो गया और ये mg हो गया। तो यहां से अगर m अपान k निकालोगे बेटा तो x अपान g हो जाएगा, यानी जहां m अपान k है वहां पे x अपान g हो जाएगा। x एग्जामिनर l कह सकता है, y कह सकता है, z बेटा वो उसकी इच्छा है, x हमारा एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा बेटा, ध्यान रखना। तो जरूरत होने पे यम अपान के सो हम इक्वेट कर सकते हैं यक्ष अपान जी बेटा, ध्यान रखना। बेटा अच्छा एक बच्चा कह रहा फार्मूले का सर लिस्ट दे दीजिए। बेटा फार्मूला मैं कई बार क्लास में कह चुका हूं कि आपकी जिम्मेदारी है एज ए स्टूडेंट कि सभी चैप्टर के लिए फार्मूले आप खुद कलेक्ट करके और बनाएं बेटा, ठीक है, और खुद उसको 10 बार लिखें बेटा और कॉन्फिडेंस वाले लिखें, जैसे मैंने समझाया सबका साइन कास और जनरल वो लिखें और आपके लिए बहुत आसान होने लगेगा बेटा, तो वो आप अपने से बनाओगे बेटा। अब देखो अगर एक स्प्रिंग से 2 मास बेटा अगर लटके हैंग है बधे हुए हैं, देखो M1 और M2, यानी एक स्प्रिंग से अगर एक साथ हॉरिजॉन्टल में अगर 2 ब्लॉक बंधे हुए हैं तो वहां पे रिड्यूज मास का कांसेप्ट आ जाता है बेटा। और रिड्यूज मास क्या होता है, म्यू सिंबल से दिखाया जाता है, दोनों मास का मल्टीप्लाई अपान दोनों का सम होता है बेटा, ये रोटेशन चैप्टर में भी पढ़ा जाता है रिड्यूज मास का कांसेप्ट, दोनों मास का मल्टीप्लाई अपान दोनों का सम होता है। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एम के स्थान पे म्यू हो जाएगा अपान के हो गया बेटा, और म्यू का यही न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ये वैल्यू रख दोगे M1 M2 अपान M1 प्लस M2 बेटा। जब भी 2 मास होंगे तो रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट होगा, मल्टीप्लाई अपान सम हो जाएगा और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट म्यू अपान के हो गया, म्यू का मान यही रख दोगे आंसर में, सॉल्व कर लोगे बेटा। ओके नेक्स्ट देखें, बहुत ही आपको किताबों में मिलता होगा, यहां 30 डिग्री दिया रहता है, 60 डिग्री दिया रहता है बेटा, कुछ भी यहां बना देगा। जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो इंक्लिनेशन एंगल पे डिपेंड ही नहीं करता है। देखें एक ब्लॉक है जो स्प्रिंग की सहायता से इंक्लाइन प्लेन पे देखो हैंग है बेटा, देखें इंक्लाइन प्लेन पे हैंग है जो हमारा ये स्प्रिंग है,
एम ब्लॉक का जो मास है वो इंक्लाइन प्लेन पे बेटा, और टाइम पीरियड इंक्लिनेशन एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखो जो टाइम पीरियड इसका होगा वो सेम होगा एम अपान के। अब बुक में बेटा यहाँ 30 डिग्री रहता है, 60 डिग्री रहता है, दो स्प्रिंग पैरेलल लगा देंगे, सीरीज लगा देंगे, तो अभी सीरीज पैरेलल का बना के नेट वहां निकाल सकते हो बेटा, ध्यान रखना। इस पार्टिकुलर केस में नहीं डिपेंड करता बेटा इंक्लिनेशन एंगल पे, थीटा का मान कुछ भी हो डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रखना। यम अपान के ही रह जाएगा आंसर। दूसरा देखें, अगर एक सिंगल स्प्रिंग से बेटा पुली की सहायता से ब्लॉक हैंग है, पूरा स्ट्रिंग एक है बेटा, और उसी में स्प्रिंग भी फिट है हमारा बेटा और ब्लॉक भी है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला अंडर रूट 2 यम अपान के ही होगा बेटा, ध्यान रखना। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है बेटा। दूसरा देखो, अगर किसी कार पे बस पे बेटा कोई एक दूसरा ब्लॉक रखा है और ब्लॉक भी स्प्रिंग से कनेक्ट है बेटा, देखो एक कार्ट बना हुआ है, कार्ट के ऊपर एक देखो जो कार्ट है वो सड़क पे चल रहा है और उसके ऊपर एक ब्लॉक है मास या मोन रखा, कार्ट का खुद मास है और वो स्प्रिंग से कनेक्ट है, तो तुरंत यहाँ पे बेटा इस M1 और M में बेटा रिड्यूज मास का कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाएगा और T बराबर 2π अंडर रूट म्यू अपान के आ जाएगा। ऐसा भी पिक्चर बना सकता है, देखो दो पिक्चर बना हुआ बेटा, एक ब्लॉक यहाँ पर है दूसरा इसके ऊपर है, सब ये क्वेश्चन आप बुक खोलते होंगे तो दिखता होगा बेटा, और ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है बेटा, तो तुरंत इसमें रिड्यूज मास लग जाएगा M1 M2 अपान M1 प्लस M2 बेटा, और टाइम पीरियड T बराबर 2π अंडर रूट म्यू अपान के हो जाएगा, म्यू इज द रिड्यूज मास बेटा, ध्यान रखना। अब देखो बेटा कंबिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात हो रही है, ये किसको फॉलो करता है, कैपेसिटर रूल को, अभी आपका टेस्ट कैपेसिटर का हुआ था बेटा, तो कैपेसिटर रूल को फॉलो करता है, कैपेसिटर में सीरीज में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसे स्प्रिंग में भी सीरीज में 1/K बराबर 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 लगेगा, पैरेलल में बेटा सी बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, तो यहाँ के बराबर K1 प्लस K2 प्लस K3 होगा बेटा, तो ध्यान रखना कैपेसिटर रूल को फॉलो करता है, ये ट्रिक याद रखना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है पहला, देखिए दोनों स्प्रिंग सीरीज में है, सीरीज की पहचान है बेटा कि स्प्रिंग सब एंड से एंड जुड़े होंगे, देखो पहले वाले का दूसरे वाले से एक एंड जुड़ा हुआ बेटा, तो इस सीरीज में बन गया, तो देखो 1/K बराबर हो गया इसका नेट 1/K1 प्लस 1/K2, टाइम पीरियड 2π बराबर 2π अंडर रूट M/K हो गया, के इसको सॉल्व कर लेना, एक लाइन का आंसर हो गया बेटा। ये ट्रिक याद रखोगे कभी भूलेगा नहीं, कैपेसिटर रूल को फॉलो करता बेटा। दूसरा देखो, तीन स्प्रिंग आपस में पैरेलल है बेटा, देखो तीनों पैरेलल है बेटा, तो इनका के नेट क्या होगा, K1 प्लस K2 प्लस K3, ऐसे 10 हो तो बेटा K10 हो जाएगा, T बराबर 2π अंडर रूट M/K नेट हो गया बेटा, सबका के नेट निकाल लिया करो, फार्मूला तो फिक्स है, T बराबर 2π अंडर रूट M/K नेट हो गया बेटा। इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना बेटा, ये K1 है ये K2 है और यहां पे ब्लॉक बंधा हुआ है, पूछा है टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, फास्ट सभी बच्चे इसका टाइम पीरियड क्या होगा। K1 और K2 तुरंत, हाँ वेरी गुड बेटा, तुरंत पहचानना होगा कि ये कौन है, सीरीज है कि पैरेलल है, तो देखो इसको पहचानने के लिए क्या करना है, जो ये नीचे स्प्रिंग बना हुआ है इसको इमेजिन कर लो,
ऐसे कि ये है उठ सकता है ऊपर, तो देखो ऐसे इसको इस ब्लॉक को यहाँ पे पुश कर दो दिमाग से, इमेजिन ऐसे पुश कर दो और K2 वाले को उठा के ऐसे हैंग करके यहाँ पे कनेक्ट कर दो, तो देखो कैसा बन जाएगा। अगर इसका पिक्चर देखा जाए तो इसका पिक्चर कैसा बनेगा वो देखो बेटा, हाँ सॉरी बेटा, हाँ तो इसका जो आंसर बनेगा बेटा वो क्या हो जाएगा, ऐसा स्प्रिंग आ जाएगा। देखें ये स्प्रिंग हमारा हो गया और ये भी स्प्रिंग देखो ऐसे हो गया और दोनों स्प्रिंग ऐसे बन गए, ये दोनों हो गया, ये K1 हो गया बेटा, ये K2 हो गया, तो कैसे बन गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गया तो टी बराबर कितना बेटा, अंडर रूट हो गया, एम अपान क्या हो गया, के नेट हो गया बेटा। सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया। गुड, ये कैसा दिख रहा है, सेम आंसर है बेटा, बस वो वर्टिकल था, ये कैसा है हॉरिजॉन्टल है बच्चों, वहां पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल था और ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। देखो यम पे हाथ रखो और K2 को ऐसे पकड़ के इस पे लाके कनेक्ट कर दो, तो इसका पिक्चर कैसा बन गया, सेम पिक्चर है, दिख रहा है बेटा, सभी बच्चों को सॉल्व हो रहा होगा, ऐसा पिक्चर बन गया, ये ऐसे बना और यहाँ पर भी बेटा ये ऐसा बन गया, ये हो गया और ये देखो ये बन गया। इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गया, यानी पैरेलल बन गया टी बराबर 2π अंडर रूट एम अपान क्या हो गया, के नेट बेटा। यस यस बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, सभी बच्चों का सही है। यस बेटा, नेक्स्ट देखें इसका आंसर बताएं बेटा, ये दोनों स्प्रिंग हैं और इसके नीचे ये है, सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है कितना होगा, तो ट्रिक बताया गया यम पे हाथ रखो और K3 को भी इसको पलट दो तो जाके वहां पे स्टिक हो जाएगा, तो कैसा पिक्चर बन गया, अंतिम फाइनल पिक्चर ऐसा बन गया बेटा, ये हमारा K1 हुआ, ये हमारा K2 हो गया और ये भी हमारा K3 हो गया और ब्लॉक हमारा हैंग हो गया, दैट इज K1 K2 और K3। अब आंसर करने की जरूरत नहीं है, सब कैसे हो गए बेटा, पैरेलल हो गया, टी बराबर 2π अंडर रूट एम अपान क्या बन गया बेटा, के नेट। तो ऐसे जहां पर भी होगा अपना सॉल्व करना बेटा। ओके बेटा, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, गुड। चले इस क्वेश्चन का आंसर बताएं बेटा, चार कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड T1 है, इसका T2 है, इसका T3 है, इसका T4 है, कह रहा किस केस में मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा बेटा, चारों में से कौन सा ऐसा एक केस होगा जिसमें मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा बच्चों, चारों केस में से कौन सा ऐसा केस होगा जहां से बेटा मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा, चारों केस में कौन सा ऐसा केस होगा जहां मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा बेटा, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, ये ओरल दिख रहा है, बिल्कुल वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। देखो अगर दिख रहा होगा तो T1 देखो, पहला पिक्चर, तीसरा पिक्चर और फोर्थ पिक्चर बेटा, देखें तीनों का टाइम पीरियड बराबर है बेटा, सॉरी T1 T3 और T4 तीनों का टाइम पीरियड बराबर है, क्योंकि स्प्रिंग आपस में कैसे हैं, पैरेलल है बेटा, तो तीनों का टाइम पीरियड बराबर है। लेकिन सेकंड वाले में देखो, सेकंड में सीरीज में जुड़ा हुआ है, देखें सीरीज में, तो इसका के नेट कितना हो जाएगा, K/2 1/K + 1/K जोड़ लो बेटा, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इन तीनों का टाइम पीरियड कितना होगा बेटा, 2π अंडर रूट एम अपान हो जाएगा 2K हो जाएगा, क्योंकि सब पैरेलल हैं। और इसका क्या हो जाएगा, देखो T2 का कितना हो जाएगा, इसका बनेगा 2π और अंडर रूट एम अपान के बेटा, तो ये 2m/k हो गया बेटा, तो दो बाहर हो गया, तो ये बन गया अंडर रूट 2 हो गया, यहाँ 2π है, अंडर रूट एम अपान के हो गया। दिख रहा है बेटा कि T2 बड़ा है, देखें T2 बड़ा है किससे, T1 बराबर T3 बराबर T4 से, तो यही मैक्सिमम हो गया बेटा। गुड, ओके बेटा, ओके ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा सब लोग कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। देखें
नेक्स्ट देखें बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट स्प्रिंग का कट केस है बेटा, और इसमें दो तरीके से होता है, ध्यान रखें दो तरीके से होता है बेटा। खुशी बेटा यहां पे क्लियर कर लो आप चीजों को आज। स्प्रिंग का जो कट केस होता है वो दो तरीके से होता है। एक बेटा होता है जब उसको इक्वल पार्ट में कट किया जाता है, दूसरा अनइक्वल पार्ट में कट किया जाता है। दोनों को हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो अभी नीट में जल्दी ही आया था कि एक स्प्रिंग को कुछ लेंथ रेशियो में काटा गया था, फिर उनको सीरीज में लगाया गया था, फिर पैरेलल में, तो उनका सीरीज और पैरेलल का नेट के का मान पूछा था रेशियो में। तो देखो यहां पर यही केस है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग का केस, कि अगर एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के हो बेटा, उसको कट किया जा रहा है एन इक्वल स्मॉल पार्ट में, 100 पार्ट में कट कर दो, 200 में कट कर दो, 2000 ही आपकी इच्छा है बेटा, और ईच पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा एन के, यानी अगर इक्वल भागों में बच्चों काटा जाएगा तो प्रत्येक कटे हुए का स्प्रिंग कांस्टेंट एन के हो जाएगा। मान लो ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट है के, इसको 5 भागों में काटा गया बराबर भागों में, ध्यान रखना बराबर के लिए है बेटा इक्वल कट पार्ट, तो प्रत्येक कटे हुए का स्प्रिंग कांस्टेंट 5k 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 आ जाएगा बेटा। अगर 10 भागों में तो 10k 10k हो जाएगा, और टाइम पीरियड होता है प्रत्येक कटे हुए का t/√n। बिना कटे हुए टाइम पीरियड t है, और इसको 10 बराबर भागों में काट दिया गया तो प्रत्येक कटे का टाइम पीरियड कितना होगा, t/√10 हो जाएगा बेटा। तो ध्यान रखना ये किसके लिए है, इक्वल कट पार्ट के लिए है बेटा। तुरंत एक क्वेश्चन करो बेटा, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसका टाइम पीरियड टी है, स्प्रिंग को 4 बराबर भागों में कट किया गया इनटू 4 इक्वल पार्ट बेटा। तो पूछा है किसी एक का न्यू टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, यन 4 इक्वल पार्ट में कट किया गया है स्प्रिंग को, 4 इक्वल पार्ट में कट किया गया बेटा, 4 इक्वल पार्ट में कट किया गया है, तो एक का कितना होगा बेटा। अभी जस्ट पढ़े हो बेटा कि हमारा t1 क्या होगा, t/√n, तो t हो गया √n, कितने भागों में कटा है, 4 भागों में, बराबर t/2 ओरल बेटा। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों का सही, गुड गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, अब सब बच्चे बहुत सीरियस होके देखें, अगर स्प्रिंग को देखें, स्प्रिंग को अगर 2 या 2 से ज्यादा भागों में काट दिया जाए अनइक्वल, अनइक्वल पार्ट में काटना है, 2 भागों में, 10 भागों में, 50 भागों में, एग्जामिनर देगा बेटा, लेकिन कटा हुआ पार्ट कैसा हो, अनइक्वल पार्ट बेटा, ध्यान रखें अनइक्वल पार्ट हो। तो देखो हम आपको ट्रिक बताते हैं कि इसका K1 K2 कैसे निकालते हैं। तो एक थोड़ा सा लॉन्ग रास्ता बता देते हैं, और इसका एक छोटा रास्ता भी है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटा। देखो तो जब अनइक्वल पार्ट में कट किया गया है, तो मैंने मान लिया, बहुत ध्यान से देखें सभी बच्चे, क्योंकि यहां बहुत गलती होती है बेटा। देखो जो एल है वो हमारा स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ है बिना कटे हुए, के ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा। ये फिगर बन गया, एक स्प्रिंग है जिसका ओरिजिनल लेंथ के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उस पे एक ब्लॉक हैंग कर दिया गया, तो टाइम पीरियड 2π√m/k, अनइक्वल पार्ट में काटना है बेटा, कितने पार्ट में एग्जामिनर काटेगा, ये एग्जामिनर देगा बेटा, 1:3:5:7:9, जैसा एग्जामिनर देगा वो आप देखोगे बेटा, अनइक्वल होना चाहिए। तब देखो If spring is cut into n unequal part, सभी की लंबाई कितना है, देखो मैं एक एक लैंग्वेज को लिख रहा हूं बहुत स्पष्ट, आप देखें बेटा, हमने n unequal part में काटा, एक की लंबाई L1, दूसरे की L2, तीसरे की L3 और LN मैंने कह दिया, अब कोई लिमिट नहीं है, n का मान 1, 2, 3 इनफाइनाइट से पहले तक कुछ भी हो सकता, और जो कटे हुए पार्ट हैं उनका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, K2, K3, KN है, हमारा एम यही निकालना होगा, कटे हुए अनइक्वल पार्टों का स्प्रिंग कांस्टेंट हम निकालने जा रहे हैं बेटा, ध्यान से देखें। तो देखो
कटे हुए का लंबाई L1, L2, LN हो गया और कटे हुए का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, K2, K3, KN हो गया बेटा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमारा एम यही निकालना है। ये निकलने के बाद ये सीरीज में जुड़ जाएंगे या पैरेलल, वो ट्रिक हम लोग कैपेसिटर के रूल को जानते हैं, तुरंत रख देंगे, लेकिन यही हमको निकालना है। इसका दो मेथड है, एक बड़ा मेथड है एक छोटा। तो पहले हम बड़ा वाला बता देते हैं। छोटा वाला बेटा डायरेक्ट इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि आप अभी विश्वास नहीं करेंगे, ये अपना मेरा बनाया हुआ है, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं बेटा, तो ध्यान दें। इसलिए पहले उस रास्ते पे चल के तब वहां सॉल्ट आना, और आप चेक कर लेना हर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन हो। अब देखो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, तो हमारा उद्देश्य बेटा जो हमने स्प्रिंग अनइक्वल भागों में काटे हैं, जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K1, K2, K3, K4, K10 है, कुछ भी हो बेटा, उनका मान कैसे निकालोगे। देखो हेडिंग बना है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ ईच कट पार्ट। सभी बच्चे बहुत सीरियस होके देखें, कोई मैसेज नहीं, पहले इसको देखें बेटा। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट सभी कटे हुए पार्ट का, पहला K1 है, दूसरा K2 है, K3 है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैंने K10 ले लिया बेटा। देखें मैंने K10 ले लिया, तो K1 कौन होगा, ध्यान से देखें बेटा, K1 कैसे लिखोगे, टोटल स्प्रिंग कॉन्स्टेंट टोटल लंबाई अपान कटे हुए का लंबाई, जितना पार्ट आपने कट किया है। ऐसे K2 क्या लिखोगे, KL तो समझ में आ गया होगा, ऊपर टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट टोटल लंबाई बिना कटे हुए अपान जितना L2 का फ्रैक्शन। जैसे मान लो कि L1 L2 L3 का रेशियो दिया गया 1:3:7:15 ऐसा दे दिया गया, तो ये 1 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 7 बनेगा, नेक्स्ट वाला 15। तो ध्यान रखना ऊपर टोटल लिखोगे नीचे उससे डिवाइड करोगे, ये K1 K2 K3 K10 लिखने का तरीका हुआ। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं, कटे हुए स्प्रिंग का K1 K2 K3 हम निकालने का तरीका सिखा रहे हैं। इसके बाद मैं L1 L2 L3 है ये कैसे निकालोगे ये सिखा दूंगा। डायरेक्ट आप K1 निकाल लें और इसका सॉल्व ट्रिक सीख लेना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख के आप टिक मार सकते हो बेटा। हाँ बेटा रेशियो का डिवीजन बेटा, युक्ता बेटा रेशियो का डिवीजन 1:3:7:10 1:4 कुछ भी हो बेटा, उसका हम साल करा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कैसे K1 K2 निकालोगे K3 निकालोगे बेटा। तो ये K1 K2 K3 निकालने का रास्ता आया। अब सवाल उठता है ये L1 L2 L3 कैसे निकालोगे, तो दूसरा स्टेप देखो, देखें सेकेंड स्टेप हाउ टू फाइंड आउट L1 L2 L3 LN। देखें बहुत अच्छे से लिखा है, तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया बेटा, ध्यान रखना पहले मैंने K1 K2 K3 K4 लिखने का तरीका सिखाया, इसके बाद जो वहां पे L1 L2 L3 है वो कैसे निकालोगे वो देखो बेटा। तो इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझा रहे हैं, ध्यान रखें। मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया है बेटा योग्यता देखो कि लेंथ का रेशियो जो कट किया गया है 1:3 रेशियो में बेटा, ये यही बदलता रहेगा बेटा 2:4:7 10:5 कुछ भी कह देगा बेटा, ये सब एग्जामिनर देगा। तो देखो यही L1 हो गया, यही L2 हो गया बच्चों, और यही L3 हो गया। तो L1 कैसे निकालोगे वो देखो, L1 कैसे निकालोगे वो देखो, L1 बराबर पहले जितना रेशियो दिया हो बेटा, सभी बच्चे से ध्यान से देखें, जितना रेशियो दिया हो उसका सम कर लिया करो। देखो सम कितना हुआ, 6 हुआ, 3:2:5:1:6। तो देखो L1 कैसे निकालोगे, जो पहला कट है, जो पहला कट का फ्रैक्शन है उसी के लिए L1 निकालना है, जो दूसरा कट का फ्रैक्शन है वो L2 बनेगा, जो तीसरा कट का फ्रैक्शन है वो L3 बनेगा। मान लो यहां रेशियो 5 भी होता बेटा तो वो L4 बनता, ध्यान रखना। L1 कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, खुद ध्यान से देखो, इसमें कोई भाग दौड़ नहीं होना चाहिए। कैसे निकालोगे, जो पहला फ्रैक्शन दिया हो उसका नाम लिखो, टोटल लेंथ लिखो, और जितने यहां फ्रैक्शन दिए हो सबके सम से डिवाइड कर दो। मान लो दिया होता 1:2:3:4 तो 4:3:7:2:9:1:10 यहां डिवाइड करते, लेकिन यहां 3 है तो 3:2:5:1:6 देखो, इसलिए मैंने लिख दिया, कुछ हमने चेंज नहीं किया। दूसरा L2 लाना है बेटा, ध्यान रखना L2, तो जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है वो लिखोगे, टोटल लेंथ लिखोगे और सम से डिवाइड कर दोगे 3:2:1 बेटा। तीसरे के लिए देखो, जो तीसरा वाला फ्रैक्शन है वो लिखोगे, टोटल लेंथ लिखोगे, सम से डिवाइड कर दोगे बेटा। ये किसी का L1 L2 L3 निकालने का तरीका हो गया। और ध्यान रखना K1 बराबर क्या आया है,
K1 बराबर KL अपान L1, अब यही KL अपान L1 में रख दो, देखो आंसर आ जाएगा K1 K2 K3 आ गया, सीरीज में है सीरीज में जोड़ दो, पैरेलल में है तो बेटा पैरेलल में जोड़ दो बेटा। तो ये L1 L2 L3 निकालने का तरीका हुआ। अब देखो हमने एक एग्जांपल ले लिया बेटा, दूसरा स्प्रिंग को कट किया गया रेशियो 2:3:5 में, तो L1 क्या बनेगा, पहले L1 देख लो फिर डायरेक्ट K1 K2 सीख लो, इसका शॉर्ट ट्रिक सीख लो, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वहां रख दिया करो। देखें L1 कितना होगा बेटा, सभी बच्चे बोले पहला फ्रैक्शन टोटल लेंथ अपान तीनों का सम, यही मैंने सिखाया है, तो देखो 2L/10 हो गया, देखें 2L/10। L2 कैसे निकालोगे, सेकंड फ्रैक्शन टोटल का मल्टीप्लाई तीनों का सम बेटा, तीसरा कैसे निकालोगे, अंतिम फ्रैक्शन तीसरा वाला टोटल लेंथ अपान सम हो गया। अब इसका K1 कैसे निकालोगे, बच्चों देखो K1 क्या सिखाए हैं, KL अपान L1, L1 ये आ चुका है बेटा, रखो KL और L1 का मान कितना आया 2L/10, तो 10 ऊपर चला गया और 2L नीचे चला आया, देखो L से L कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 से 10 5, देखो 5 के आ गया बेटा। K2 खरीद लो, KL/L2, यही डिफिनेशन मैंने सिखाया बेटा, KL/L2 हो गया, L2 का मान 3L/10 आ गया है, देखो रख दो 10 ऊपर चला गया, 10/3 के आ गया। देखें L3 खरीद लो बेटा, 5L आ गया, देखो K3 बराबर KL/L3 हो गया, L3 का ये आंसर लिखा हुआ है 5L/10 ऊपर चला गया, L से L कैंसिल हो गया, 10 में 5 का डिवाइड हुआ 2 के आ गया बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ऐसा भी कह सकते हो, बिल्कुल बेटा बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से इसको शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हो। देखो अब हम यही लिखने जा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखें, ये तो लंबा मेथड था, इसको हम शॉर्ट ट्रिक बनाने जा रहे हैं, ध्यान रखें 2:3:5 में कट किया गया, देखो मेरे साथ चलो सब लोग, देखो K1 कितना होगा, देखो K1 कितना होगा, सभी का सम कर दो ऊपर, जितना फ्रैक्शन रेशियो दिया हो, शॉर्ट मेथड कि जब तक एग्जामिनर को इस चंदे आंसर पे टिक लगा दो, एक मिनट का टाइम होता है बेटा, ऊपर क्या लिखो, K1 निकालने जा रहे हैं, K1 बराबर बेटा सभी रेशियो का सम कर दो, ये ऊपर लिख दो, और जो पहला फ्रैक्शन हो उससे डिवाइड कर दो, तो K1 आ गया, देखो चेक करके देख लो 5:3:2, ऊपर 10 आ गया नीचे 2 आ गया, देखो 5 के आ गया। K2 निकालो बेटा, ऊपर हमेशा तीनों का सम हुआ, 4 है तो 4 का सम होगा, तो ये 10 बन गया अपान दूसरा वाला फ्रैक्शन, तो देखो 10/3 के आ रहा सीधा। तीसरा वाला बेटा निकालना K3, ऊपर तीनों का सम रहेगा, नीचे वाला तीसरे का फ्रैक्शन 5 आ गया, 10/5 बराबर 2 के आ गया बेटा। तो किसी का K1 K2 आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे देखो यहां पे हम लिख दे रहे हैं, इसका भी आप यूज डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा, कैसे देखो शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हो, शॉर्ट ट्रिक कैसे लिख सकते हो, ये होता है बना सकते हो किसी के लिए, ये लिख दो सम ऑफ, 1 मिनट बेटा, सम ऑफ कट, 1 मिनट बेटा, अपान बेटा फ्रैक्शन पार्ट, ध्यान रखें। अब मान लो देखो एग्जाम्पल में, अभी जस्ट हम लोगों ने बेटा कौन सा एग्जाम्पल लिया था, 2:3:5 का, जरा रिपीट कर लो बेटा, हम लोगों का एग्जाम्पल था 2:3:5, देखें चेक करें, K1 बराबर कितना आया, देखो ऊपर 10 लिखो नीचे फ्रैक्शन 2 हो गया, और K तो रहेगा ही बेटा टोटल में, ध्यान रखो मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे टोटल K, तो ये बराबर हो गया देखो 5 के, ओरल देखो दिख रहा है, K2 बराबर हो गया ऊपर 10 होगा नीचे 3 हो गया, देखो 10/3 हो गया, K3 का हो गया देखो 10/5 हो गया, बराबर हो गया बेटा 2 हो गया, किसी के लिए भी डायरेक्ट आप निकाल लिया करो। कोई बात नहीं शिवम बेटा, उससे ही काम चला लो। जो आपको अच्छा लगे, हमने बड़ा मेथड भी बता दिया और छोटा भी बता दिया बेटा, अब जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज करना।
एग्जाम में तो आप यही यूज करना बेटा, और किसी को समझाने के लिए आप दोनों मेथड, अगर हम इसको डायरेक्ट बता देते बेटा तो आप कहते सर ये कैसे लिख दिए, अब आपके सामने प्रूफ हो गया है, देख लो बेटा। ठीक है, देखो क्वेश्चन आप फट से करें। स्प्रिंग को कट किया गया है 1:3:4 में, और उनको पहले जो कटा गया है स्प्रिंग 1:3 में, इसका सॉरी बेटा K1, K2, K3 आ गया, पहले उनको सीरीज में जोड़ दो, फिर उनको पैरेलल जोड़ दो, तो कह रहा उनका रेशियो बता दो। फास्ट सभी बच्चे करें, K1, K2, K3 निकालें, उनको सीरीज में जोड़ें, K1, K2, K3 निकाल के पैरेलल में जोड़ें, और सीरीज और पैरेलल का रेशियो बता दें बेटा। शॉर्ट मेथड से बताना है सभी बच्चों को, शॉर्ट मेथड से लेंथ का रेशियो कटा हुआ 1:3:4। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक पे जाएं बेटा, K1 ओरल दिख रहा है 8/1 यानी 8K, K2 दिख रहा है बेटा 8/3K, और K3 दिख रहा है बेटा 8/4K यानी 2K बेटा। सभी बच्चे शॉर्ट में जाएं बेटा, सभी बच्चे शॉर्ट ट्रिक से करें। ओरल आंसर दिख रहा है K1 बराबर, सबका सम करो बेटा, सम क्या है हमारा 4:3:1 यानी 8 हो गया बेटा, तो ये हो गया 8K हो गया, फ्रैक्शन रेशियो 1 बराबर 8K हो गया। K2 हमारा बेटा 8 के ऊपर रहेगा, किसका रेशियो है 1:3:4 का बेटा, तो ये नीचे 3 आ गया, ऐसे K3 बराबर हो गया 8K, नीचे 4 है बराबर 2K। अब इससे सारा क्वेश्चन और क्या हो सकता है, पहला देखो सीरीज में हो गया बेटा, सीरीज में हो गया तो 1/K सीरीज बराबर हो गया 1/K1 + 1/K2 प्लस हो गया 1/K3 बराबर, यहां से आ गया बेटा 1/8K हो गया, प्लस हो गया देखो 3/8K हो गया, प्लस हो गया 1/2K। अब यहां पे 8K एलसीएम ले लो, 8K हमारा एलसीएम ले लो और सॉल्विंग कर लेना, जो आंसर आए वो आंसर आ जाएगा, यहां से KS सॉल्व कर लेना बेटा। ठीक है, सेकंड बेटा पैरेलल में कर दो, पैरेलल में तो पैरेलल में आसान है, यहां सॉल्व कर लो बेटा एलसीएम लेके, पैरेलल में हो गया बेटा 8K प्लस हो गया 8K/3 हो गया, प्लस 2 हो गया, सॉल्व कर लेना, यही रेशियो पूछा है K सीरीज अपान K पैरेलल बेटा। अभी शायद एक मिनट के अंदर आपका आ जाए बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक से आप करें, एक मिनट के अंदर ये आंसर आएगा बेटा। नीट में जो क्वेश्चन आया था आज ही तुरंत कर लेना बेटा, यस बेटा वो सॉल्विंग कर लेना बेटा। बेटा ऐसा नहीं प्रज्योत कह सकते हो बेटा कि 20 में पेपर आसान था तो 21 में हार्ड आ जाएगा, ये सब कुछ नहीं कह सकते हो, हमें हमेशा तैयार रह के रहना है कि पेपर हार्ड आएगा इसके लिए रेडी रहना है, हमेशा हमें पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है कि पेपर हार्ड आएगा इसके लिए हम तैयारी करेंगे, क्योंकि बेटा साल में एक बार एग्जाम आता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप आसान और इसके लिए ढूंढो। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट करें, इफ स्प्रिंग इज कट इन रेशियो 2:3:5:7 शॉर्ट में लिख रहे हैं, पहला फाइंड के सीरीज, दूसरा के पैरेलल बेटा, फास्ट वर्किंग बेटा। आकृति बेटा क्वेश्चन फास्ट करें, हमने 4 एन इक्वल पार्टों में कट कर दिया 2:3:5:7 में, तो उनका सीरीज और पैरेलल बताना है, जब उनको सीरीज में कटे हुए को जोड़ा जाए, लैंग्वेज पूरा नहीं लिख रहे हैं, लैंग्वेज आप समझ रहे हैं, कटे हुए का सीरीज और पैरेलल हम लोगों को बनाना है वो देखना है। सभी बच्चों का आंसर आ रहा होगा, सब शॉर्ट ट्रिक से करें। K1 बराबर हमारा कितना आएगा बेटा, K1 की बात करें तो 7, 5, 12 हो गया, 12 और 3, 15 हो गया और 17, तो ऊपर हो गया 17K हो गया, नीचे 2 हो गया, बस K1 K2 करके दिखाएं और कुछ नहीं करना बेटा, ऊपर 17K/3 हो गया, K1
K3 बराबर हो गया बेटा 17K/5 हो गया, बस और किसी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है बेटा, ये हो गया 17K/7। सीरीज में है तो सभी बच्चे सीरीज में निकाल लेंगे, पैरेलल है तो पैरेलल बेटा, वहां कैलकुलेशन आसान होगा, ये तो मैंने ओरल दे दिया बेटा। क्लियर है ना बेटा? ओके बेटा, ठीक है, बस उतना ही चाहिए बेटा, उतना ही। कैलकुलेशन सभी बच्चों को आता है, जिसमें हमें सोचने की जरूरत है। क्लियर है ना बच्चों? स्प्रिंग का कट के सब कोई भी होगा फट से निकाल लोगे शॉर्ट ट्रिक से बेटा। सभी बच्चे मैसेज करें बेटा, स्प्रिंग का कोई कट केस होगा फट से निकाल लोगे। खुशी बेटा, स्प्रिंग का कोई कट केस होगा अब निकल जाएगा बेटा। ओके बेटा, आकृति या कोई केस होगा निकल जाएगा बेटा, K1 K2 K3 ओरल। ओके बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बस बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। अब इसके बाद सीरीज पैरेलल अपना बना लेना। ओके बेटा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, चलो हम लोग देखेंगे बेटा सिंपल पेंडुलम का केस, जल्दी से देखते हैं, फिर सब बच्चों की डिमांड है कि हम लोगों को डैम्प ऑसिलेशन सीखना है बेटा, और उसका हम आपको ट्रिक सिखाते हैं। ऐसे ओरल आप कर सकते हो, कभी भी डैम्पिंग ऑसिलेशन में आपको आज के बाद पेन नहीं उठाना होगा। देखें सिंपल पेंडुलम का सबको फार्मूला याद है बिल्कुल, बस देखने की जरूरत नहीं, फिगर देख के याद हो गया होगा। टी बराबर 2π√L/g बेटा, ध्यान रखना ये एक फार्मूला है, न्यूमेरिकल्स इसके इनफाइनाइट है बेटा। जी क्या बन जाता है? इफेक्टिव ग्रेविटी बन जाता है, लिफ्ट का केस आ जाता है, इसके बाद बेटा कार्ट का केस आ जाता है, इंक्लाइन प्लेन का केस आ जाता है बेटा, माइन का केस आ जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कि जब हम पेंडुलम को किसी लिक्विड में डिप करते हैं तब का सबसे इंपॉर्टेंट केस आ जाता है बेटा। तो हर केस में जी हमारा क्या बनेगा? इफेक्टिव ग्रेविटी बन जाएगा बेटा। तो सिंपल पेंडुलम में सबका फार्मूला याद होगा, टाइम पीरियड लेंथ और जी पे डिपेंड करेगा बेटा। देखो यहां से लिखा है, टाइम पीरियड में कहीं मास ऑफ बॉब नहीं है, एम्पलीट्यूड नहीं है, ये सिर्फ लंबाई के अंडर रूट प्रोपोर्शनल है और जी के इनवर्सली है। और जस्ट अभी ग्रेविटेशन चैप्टर का टेस्ट दिए हो बेटा, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, स्मॉल जी डिक्रीज करता है। अगर स्मॉल जी डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसी घड़ी का टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है बेटा, अगर हम पेंडुलम वाली घड़ी हिल पे या माइन पे लेके जाएं बेटा तो हमारा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे जी घट जाता है, यानी मेरी घड़ी स्लो दिखाएगी, राइट टाइम कभी नहीं दिखाएगी। इसीलिए हिल या माइन पे हम लोग बेटा पेंडुलम घड़ी का यूज नहीं करते बेटा। देखो पेंडुलम क्लॉक क्या दिखाएगा? स्लो बेटा दिखाएगा। अब केस वन, हर जगह जी क्या बनेगा बेटा? जी इफेक्टिव बनेगा, जो हमारा स्मॉल जी बनेगा वो जी इफेक्टिव। यही कला बस जिस दिन सीख गए बेटा, इसका एप्लीकेशन और ओरल न्यूमेरिकल है, भरे पड़े हैं इसके न्यूमेरिकल्स बेटा। पहला केस लिफ्ट या एलिवेटर का है। सभी बच्चों को पता है बेटा कि अगर लिफ्ट ऊपर जाता है तो जी क्या होता है, लिफ्ट नीचे जाता है तो जी इफेक्टिव क्या होता है बेटा। तो पहला केस लिफ्ट या एलिवेटर में हम लोग जी को क्या पढ़ेंगे? जी इफेक्टिव। हर जगह जी इफेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे बेटा। तो देखो, सॉरी बेटा, पहला केस हो गया जब लिफ्ट कहां जा रहा? ऊपर की तरफ। सभी बच्चों का क्लियर होगा ये लिफ्ट है, लिफ्ट में हमारा पेंडुलम बाब सिस्टम रखा हुआ, एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। सब बच्चों को एनएलएम क्लियर होगा, इफेक्टिव ग्रेविटी कितना होता है? जी प्लस ए बन जाता है। टी बराबर 2π√L/g इफेक्टिव का मान जी प्लस ए हो गया। देखें टी इनवर्सली 1/g प्लस ए है, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है तो टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। यानी यही क्वेश्चन बनता है कि कौन सी वो कंडीशन है लिफ्ट का ऊपर की नीचे कि जब उसमें पेंडुलम बॉब सिस्टम रख दिया जाए तो टाइम पीरियड घटता है। कब बेटा? उल्टा पूछ लिया जाएगा, जब लिफ्ट कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो जी बराबर जी प्लस ए हो गया इफेक्टिव बेटा। ये बड़ा है डिनोमिनेटर तो निश्चित ये छोटा होगा, यानी टाइम पीरियड इसका क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा बेटा, ध्यान रखना। तो बनाते चलो तेजी से, यही एप्लीकेशन ही सब न्यूमेरिकल्स है बेटा, लाइन से भरे पड़े हैं न्यूमेरिकल्स। हाँ, इसका उल्टा भी बन जाता है, ध्यान रखना, डिनोमिनेटर बढ़ गया टी घट गया हमारा बेटा।
दूसरा देखें लेफ्ट जब नीचे जाता है तो क्या होता है इफेक्टिव जी माइनस ए हो गया बेटा, तुरंत जी माइनस ए हो गया, ये कम हो गया देखो डिनोमिनेटर कम हो गया, टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। तो उल्टा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंडीशन है जिसमें टाइम पीरियड इंक्रीज या डिक्रीज करता है बेटा, तो ध्यान रखना इसको। हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही बेटा। देखो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन का देखें, ये कोई कार है, देखो कोई कार है और ये ए एक्सीलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है बेटा। कार के रूप से बेटा इसके टॉप से एक देखो बॉब और पेंडुलम सिस्टम बांध दिया गया जिसकी लेंथ कितनी है एल है और बॉब का मास कितना है स्मॉल एम है बेटा। निश्चित है आप देखे होंगे प्रैक्टिकल भी आप सोच रहे होंगे कि अगर कार आगे की तरफ जाएगी तो उसके छत से जो स्ट्रिंग हैंग है बेटा वो कार के चलने के अपोजिट क्या करेगा ऐसे जाएगा। देखो कार अगर इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा, तो देखो यहां पीछे क्यों जाता है बेटा, कौन लेके जाता है, दैट इज नेम एज सूडो फोर्स बेटा। सूडो फोर्स क्या करता है एक्सीलरेटिंग बॉडी के कहां लगता है अपोजिट लगता है। तो देखो एक हमारा ये तुरंत देखो इधर की तरफ आ गया, यही बॉब देखो यहां आ गया, बॉब का यम मास था तो इसका वेट mg हो गया, तुरंत उस पे एक सूडो फोर्स लग गया। सूडो फोर्स कितना होता बेटा, मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सीलरेशन ऑफ कार हो जाएगा बेटा, ma के बराबर हो गया। एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, मैकेनिक्स में इसका नेट फोर्स आ गया बेटा, बीच का एंगल 90 है, रिजल्टेंट r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab cos 90 हो गया। f नेट कितना बन गया बेटा, अंडर रूट इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर हो गया, यम बाहर हो गया अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, और f नेट क्या बनेगा बच्चों, mg इफेक्टिव बनेगा, m से m कैंसिल हो गया, g इफेक्टिव बराबर आ गया बेटा कितना, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बेटा। तो ये बन गया एफ नेट हमारा एम जी इफेक्टिव आ गया बेटा, जी एम से एम कैंसिल हो गया, जी इफेक्टिव बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव हो गया, जी इफेक्टिव का ये मान रख दिया गया बेटा। सब एप्लीकेशन भरे पड़े हैं ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बॉयनेंसी फोर्स का एप्लीकेशन देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा बॉब है इसका डेंसिटी रो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बॉब और पेंडुलम सिस्टम है, बॉब का कुछ अपना डेंसिटी देगा और जब ये हवा में है बेटा तो उसका टाइम पीरियड इतना है, इस पूरे सिस्टम को किसी लिक्विड में डिप करा दिया गया तो नया टाइम पीरियड बता दो कितना होगा। जिस लिक्विड में डिप कराया गया है उसका डेंसिटी दिया रहता है और बॉब का भी डेंसिटी दिया रहता है बेटा। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रो हमारा डेंसिटी ऑफ बॉब है, सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है जिसमें पूरे सिस्टम को डिप किया जाता है। लिखा है जब बॉब को डिप करते हैं लिक्विड में तो इफेक्टिव ग्रेविटी का, ये बेटा डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, ये एक पन्ने के डेरिवेशन के बाद है, इफेक्टिव ग्रेविटी जी डेंसिटी ऑफ बॉब माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉब होता है। इसको जनरल याद रखो इसी तरीके से, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड बेटा, जैसे भी आप याद कर सको इसको याद कर लो, दैट इज अवर जी इफेक्टिव। हो सकता है फ्यूचर में डायरेक्ट जी इफेक्टिव ही केवल पूछ ले, टाइम पीरियड ना पूछे बेटा, ध्यान रखना। अब देखो पहले कहां रखा था, पूरा पेंडुलम कहां रखा था बच्चों, हवा में। देखो मैंने बहुत अच्छे शब्दों में लिख दिया, पूरा पेंडुलम हवा में रखा था तो टी एयर बराबर हो गया बेटा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जब हवा में था तो ये फार्मूला अभी आपने पढ़ा है। अब इसको कहां डिप किया गया है, लिक्विड में। जब डिप किया गया है तो देखो टी मीडियम हो गया बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव हो गया। देखो जिसको डेरिवेशन भी चाहिए वो भी ध्यान से देखे, टी मीडियम जब इसको लिक्विड में डिप किया गया, यम फॉर मीडियम 2 पाई एल अपॉन जी इफेक्टिव हो गया बराबर 2 पाई जी इफेक्टिव का भी मान है देखो रख दिया गया। आंसर देखो ये बन गया बेटा सॉल्व होके, अंडर रूट रो अपॉन रो माइनस सिग्मा बन गया, ये 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी बाहर हो गया, देख ले अंडर रूट से,
ये बाहर जो है वो क्या लिखा है, टी एयर लिखा है, जब हमारा पेंडुलम सिस्टम कहां है बेटा, हवा में है, तो देखो इसके स्थान पे टी एयर बन गया। और यही क्वेश्चन होता है कि पेंडुलम वाल्व सिस्टम जब हवा में है तो उसका टाइम पीरियड 10 सेकंड है, जब इसको लिक्विड में डिप कर दिया जाता है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाल्व दिया रहेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो एक अननोन, दो अननोन, तीन अननोन, चार अननोन, चारों में से कोई भी बेटा पूछ लेगा, ध्यान रखना। तो इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को आप कैसे भी याद कर लो बेटा, ध्यान दें, इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को आप लर्न करें बेटा। तो डायरेक्ट इसको कॉपी में लिख लो केवल, और तो अपना सीट जाएगा, आप देख लेना वहां पे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करो बेटा, लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन करना है जस्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम है, आयरन बॉब, जब ये हवा में है तो इसका टाइम पीरियड टी है बेटा, देखें। अब इसको डिप किया गया है किसी लिक्विड में, ऐसे लिक्विड में डिप किया गया है जिसका डेंसिटी सॉलिड के डेंसिटी का 1/12 है बेटा, तो कह रहा नया टाइम पीरियड बता दो बेटा, जस्ट फार्मूला, लाख प्रयास कर लो बेटा, अगर वो फार्मूला नहीं याद है कभी आप 30 सेकेंड एक मिनट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, 5 मिनट में भी नहीं निकलेगा। कह रहा लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड का 1/12 है, हवा में है तो टी है, तो नया टाइम पीरियड बता दो क्या होगा बेटा। सभी बच्चे सॉल्व करें, तुरंत अभी जस्ट आया है, टी मीडियम बराबर आया है टी एयर अंडर रूट, देख लें फार्मूले को, अंडर रूट रो अपान रो माइनस सिग्मा बेटा, रो अपान रो माइनस सिग्मा, क्वेश्चन में दे दिया है सिग्मा बराबर है रो अपान 12 दे दिया है बेटा, ये क्वेश्चन में गिवन है, देखें ये गिवन है, सॉल्व करें बेटा। आंसर निकालो इसका बेटा, सिग्मा बराबर दिया है लिक्विड डेंसिटी सॉलिड का 1/12 बेटा, रख दो इसमें, तो ये हो गया टी मीडियम बराबर टी हो गया, अंडर रूट हो गया रो अपान रो माइनस हो गया बेटा रो अपान 12 हो गया, दिख रहा है टी आ गया 12 ऊपर हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट 12 रो हो गया, अपान हो गया 11 हो गया बेटा, रो के कैंसिल हो गया, बराबर टी अंडर रूट 12 अपान 11 बेटा। अगर फार्मूला याद है तो आपके लिए बिल्कुल खिलौना है, नहीं तो आप बहुत परेशान होंगे, तो आप समझ गए होंगे इसकी कीमत बेटा, आप फार्मूले को आप लर्न कर लें। एक सिंगल फार्मूला है टी बराबर 2π अंडर रूट एल अपान जी, लेकिन जब उसका अप्लीकेशन करोगे तो बेटा ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, क्योंकि कल मॉर्निंग में न्यूमेरिकल्स कराना है, कम से कम 30 न्यूमेरिकल्स, इसीलिए पूरा सिलेबस हम लोगों को थ्योरी में कवर करना जरूरी था बेटा। चलो हम लोग अब डैम्पिंग ऑसिलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स कल करेंगे, आगे देखेंगे बेटा। हाँ सबका सही है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, ये बहुत अच्छी बात है बेटा, बस तुम लोगों को सिस्टम सिखाने की बात होती है इसके बाद, तो आप ओरल न्यूमेरिकल कर से हो, और हमसे 50 गुना ज़्यादा आपका जो सॉल्विंग स्किल्स है बेटा, मीन्स कि आपका जो एररलेस कैलकुलेशन है वो मुझसे 50 गुना ज़्यादा है, और होना चाहिए स्टूडेंट का कैलकुलेशन टीचर से बेटा 50 टाइम्स ज़्यादा ही होना चाहिए, और आप लोगों के पास है वो बेटा स्किल्स। देखो बेटा डैम्पिंग ऑसिलेशन, देखें सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें, काफी बच्चे इसमें परेशान थे और मैसेज कर रहे थे कि सर डैम्पिंग का केस जरूर बता दीजिएगा। डैम्पिंग का मतलब होता है बेटा टाइम के साथ ऑसिलेशन का डिक्रीज होना, जैसे देखें ये बॉब है और इसको मेन पोजीशन से मैंने ऐसे कर दिया, तो देखो ये धीरे धीरे क्या होगा, पहले तो काफी इसका वाइब्रेशन तेज होगा, इसके बाद धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा, और फिर ये मेन पोजीशन पे आ जाएगा, वही डैम्पिंग कहा जाता है कि एम्पलीट्यूड समय के साथ घट जाए बेटा। इसका सिंगल फार्मूला है, और बेटा जब भी क्वेश्चन आता है तो अभी देखो इसका ट्रिक, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो उस फॉर्म में ना हो जो हम सिखाना चाहेंगे आपको। a बराबर a नॉट e पावर माइनस bt अपॉन 2m है, a क्या है, एम्पलीट्यूड आफ्टर टाइम t है बेटा,
ए है एम्पलीट्यूड आफ्टर टाइम टी और ए नॉट क्या है इनिशियल एम्पलीट्यूड है, बी को डैम्पिंग कांस्टेंट कहा जाता है, एम हमारा मास है, टी क्या है वो समय है जब एम्पलीट्यूड ए नॉट से क्या हो जाए बेटा ए हो जाए। ध्यान से देखें टी वो टाइम है बेटा जिसमें एम्पलीट्यूड ए नॉट से ए हो जाता है वो टी टाइम होता है, बी को डैम्पिंग कॉन्स्टेंट कहा जाता है बेटा। हाँ बिल्कुल सही है बेटा कुणाल आपका आंसर सही है बेटा। अब देखो इसका न्यूमेरिकल्स कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ऑसिलेटर है जो 200 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होके 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू हो जाए बेटा, यानी इनिशियल एम्पलीट्यूड 200 ऑसिलेशन था और कब तक इसको रीड करना है जब तक ऑसिलेशन 800 ना हो जाए बेटा। देखो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें, जो इनिशियल एम्पलीट्यूड दिया होगा और जो फाइनल दिया होगा ऑसिलेशन बेटा ध्यान से देखो, जो इनिशियल ऑसिलेशन दिया होगा और जो फाइनल दिया होगा, इनिशियल और फाइनल में हमेशा कोई एक रिलेशन होगा नंबर का बेटा। देखो 200 और ये 800 है यानी 800 200 का 4 टाइम्स है। जब भी कोई क्वेश्चन प्यारे बच्चों बनेगा यहां हमेशा ऐसा सिस्टम बनेगा कि फाइनल वाला इनिशियल के नंबर टाइम सिस्टम में हो। मान लो यहां 50 ऑसिलेशन होता तो यहां 100 हो सकता था, 150 हो सकता था, 200 हो सकता था, 400 यानी नंबर आप मल्टीपल में बनेगा बेटा उसी के, जिससे पावर 1 2 3 4 5 ऐसा बनेगा। मान लो यहां 40 होता तो यहां 80 हो सकता था बेटा, 120 हो सकता था, ऐसे आपका 160 हो सकता था, 200 हो सकता था, यानी 40 का मल्टीपल बन सकता था बेटा ध्यान रखना। तो पहला ट्रिक ये है कि जो भी यहां पहला ऑसिलेशन होगा फाइनल ऑसिलेशन में आपस में रिलेशन होगा 1 × 4 × 6 × 10 × वो तुरंत रीड कर लिया करो। ये तो एग्जामिनर देगा जितना, देखे बेटा यहां ध्यान से देखो, जितना एम्पलीट्यूड रिड्यूज हो आंसर में वहां लिखो, देखो 1/3 लिखो और इनिशियल ऑसिलेशन और फाइनल ऑसिलेशन में जो मल्टीपल रिलेशन हो, देखो 800 200 का 4 गुना है, 1/3 का पावर 4 कर दो आंसर आ गया बेटा। ओरल देखें 200 ऑसिलेशन है यहां पे फाइनल 800 ऑसिलेशन है, देखो ओरल बेटा होता है इसमें कुछ नहीं करना है, 200 का देखें 200 का 4 टाइम्स 200 का 4 टाइम्स 800 हुआ, जितना एम्पलीट्यूड रिड्यूज हो मान लो इस क्वेश्चन में 1/3 है तो आंसर क्या हो गया 1/3 का पावर 4 आंसर आ गया। मान लो यहां 50 होता यहां पे 200 होता बेटा तो 50 भी 200 का कितना हुआ 4 गुना हो गया 250 का तो 1/3 पावर 4 हो गया। मान लो यहां 30 होता बेटा और यहां पे 90 होता तो 90 30 का 1/3 होता तो 1/3 जो रिड्यूज है यहां पे उसी का 1/3 का पावर 3 कर देते। तो ये बेटा ओरल क्वेश्चन होता है और हम आपको करके दिखा देते हैं, आप देखो बेटा तो ये बन गया, इसका हम आपको आंसर दिखाते हैं। आप देखो यहां पे समय के अभाव के कारण हम आपको सॉल्व करके पहले ही रखे हुए हैं। ए बराबर ए नॉट माइनस बी टी अपॉन 2m है, ए क्या दिया है देखो एम्पलीट्यूड इनिशियल का रिड्यूज होके 1/3 है, ये एग्जामिनर देगा 1/5 1/2 1/6 1/15 ये सब एग्जामिनर देगा प्यारे बच्चे ध्यान रखना। बिल्कुल सही बच्चों, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है बिल्कुल बेटा। अब देखो ट्रिक देखें बस बेटा, फास्ट वर्किंग होता है, एग्जामिनर 1/3 दिया है तो देखो क्या बन गया बेटा यहां से आ गया 1/3 यानी a बराबर a नॉट अपॉन 3, यही अगर 1/6 रिड्यूज होता तो a नॉट अपॉन 6 हो जाता बेटा। तो ये सब तो कहानी है, कभी सब के चक्कर में ना पढ़ना, अभी हम ट्रिक सिखा देते हैं, दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बेटा और सब ओरल करते चले जाओ। तो a बराबर a नॉट अपॉन 3 हो गया तो a बार a के स्थान पे a नॉट अपॉन 3 रखो, a नॉट ही है, e का पावर माइनस bt, t कितना दिया है 200 ऑसिलेशन अपॉन 2m हो गया, ये इक्वेशन 1 बन गया। अब t बराबर 800 ऑसिलेशन दिया हुआ बेटा तो a1 कितना हो गया, नया एम्पलीट्यूड क्या हो गया इनिशियल a नॉट बना, e पावर माइनस bt अपॉन 2m हो गया, t के स्थान पे बेटा 800 रख दो। अब 800 को देखो ब्रेक कर दो, 4 × 200 लिख सकते हो बेटा, 4 × 200 लिख सकते हो, तो देखो 800 को 4 × 200 लिख दिया गया। अब आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा कि क्यों 1 2 3 4 गुना क्यों लिखा जाता है, तो देखो ये 4 × 200 कर दिए। अब देखो a नॉट e का पावर माइनस, ये 4 को भूल जाओ, देखो 4 को भूल जाओ,
ए नॉट ई का पावर माइनस 200 बी अपान 2m बराबर क्या लिखा है, ए अपान 3 लिखा हुआ है, यानी 4 को ऐसे छोड़ दो यहीं पर, बचे हुए का मान क्या लिखा है, ए नॉट अपान 3 लिखा हुआ है। तो 1 और 2 से जब इक्वेट करोगे बेटा तो a1 बराबर क्या होगा, ए नॉट अपान 3। अब वो लॉग के सिस्टम से देखा जाता है, ये है सर सिस्टम, देखें ये log m पावर n होता है बेटा, n log m होता है, ध्यान रखना। ये सब कहानी है, आप इस सब पे कभी नहीं जाना, ये तो मैंने दिखा दिया, नहीं कुछ बच्चे सोचते सर कैसे आपने ऐसे लिख दिया। तो देखो ये 4 को छोड़ के जितना लिखा आंखों से देख रहा होगा बेटा, a नॉट अपॉन 3 लिखा है, a नॉट अपॉन 3 पावर 4 हो गया। देखो आंसर हो गया a नॉट अपॉन 81, यानी 1 अपॉन 80 टाइम डिक्रीज कर गया। क्या ट्रिक मिल गया बेटा, जितना एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो उसको लिखो कॉपी में ओरल, और जो पहला ऑसिलेशन हो और जो अंतिम ऑसिलेशन हो दोनों का पावर बनाओ बेटा, पावर बना के एक पावर ऊपर चढ़ा दो, एक लाइन का आंसर आ गया बेटा, ओरल बनता है। चलें ये क्वेश्चन का फास्ट वर्किंग करके दिखाएं। ऑसिलेटर का इनिशियल ऑसिलेशन 30 है, एम्पलीट्यूड 1/4 रिड्यूज हुआ है, तो कह रहा है 1/50 में कितना एम्पलीट्यूड रिड्यूज होगा बेटा। सभी बच्चों का ओरल आंसर आना चाहिए, सभी बच्चे ओरल बेटा, इस क्वेश्चन का उसका हो गया 1/81 बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, फुल सॉल्यूशन इसलिए दे देते हैं बेटा, बेटा फुल सॉल्यूशन इसलिए दे देते हैं निर्मल बेटा, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, बच्चा सोचता सर ऐसे कैसे लिख दिए, तो वो दिखा दिए, बस आप उसको देख के छोड़ दो बेटा। इसका आंसर करें बेटा, फास्ट वर्किंग, फास्ट वर्किंग, इनिशियल 30 है, फाइनल 150 है, 5 गुना, देखो बेटा 150 का 30, 5 गुना, 1/4 पावर 5 आंसर हो गया बेटा। जब तक कोई क्वेश्चन दे तुरंत बेटा आंसर उसके मुंह पे फेंक सकते हो। तो देखो सॉल्यूशन कितना हो गया, a1 बराबर हो गया, देखो बेटा कितना, a नॉट अपॉन 4, और कितना बेटा देखो पावर कितना आ गया, 5 आ गया। शायद अब मेरी जरूरत ना हो बेटा, ओके बेटा, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में किसी की अब जरूरत नहीं होना चाहिए, पहले का और फाइनल से तुरंत रिश्ता देखो बेटा, जितना पावर है पावर लगा दो उसका, यहाँ जो दिया होगा उसी के ऊपर पावर चढ़ा दो बेटा, एक लाइन का आंसर आ गया बेटा, क्लियर है, वेरी गुड बेटा। मल्टीप्लाई डिवाइड सब आपका काम है बेटा, उससे हम निश्चिंत हैं कि आप अच्छे हैं और बहुत अच्छा करते हैं, तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। देखो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, पहला फर्स्ट है 40 ऑसिलेशन है बेटा, 40 ऑसिलेशन, ये इनिशियल है, देखिए इनिशियल है, और जो एम्पलीट्यूड है बेटा, एम्पलीट्यूड है ये रिड्यूज हुआ है, देखें रिड्यूज हुआ है 1/6 बेटा। फाइनल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन है, फाइनल ऑसिलेशन हमारा है, फाइनल ऑसिलेशन बेटा 160 है। फाइंड न्यू रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड बेटा, सभी बच्चों का फास्ट आंसर, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल मुझे लगे कि हम सिखा ले गए हैं आपको बेटा, लास्ट क्वेश्चन माधुरी बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है, फास्ट वर्किंग करें। आकृति सागर बेटा, हाँ ठीक है बेटा, निर्मल हमने क्वेश्चन दे दिया बेटा, आज क्वेश्चन ढूंढ के कल डालना सब। क्वेश्चन आज सब ढूंढ के कल डालना बेटा। 160 40 का कितना टाइम है प्यारे बच्चों, 4 टाइम्स, ओरल आंसर दिख रहा है, A1 बराबर हो गया, ये तो ऐसे फैशन में लिखना है, नॉट अपॉन 6 लिखना है, और 160 40 का 4 गुना है, पावर लिखो बेटा, मुस्कुराते हुए आंसर आ गया, शेष कैलकुलेशन आपका बेटा। गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा तरुण, वेरी गुड, वेरी गुड आकृति, वेरी गुड, सभी बच्चों का आया, वेरी गुड बेटा। तो आज ये सब क्वेश्चन बेटा ढूंढ के और सबको ओरल कर डालना बेटा, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेप बेटा कि सबका डिस्प्लेसमेंट से लेके और एक्सीलरेशन तक दो दो फार्मूले बताए गए हैं, वो सब याद करना ग्राफ और जनरल के लिए। दूसरा बेटा कनेटिक पोटेंशियल और टोटल, ये सब सिस्टम पूरा सीखना।
टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि फार्मूले का आज कलेक्शन रखना, कल मॉर्निंग में हम लोग 8 o'clock पे बेटा हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए मिलेंगे और कम से कम 30 न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट बच्चों, वेरी गुड। गुड नाइट बच्चों, हाँ बंद कर दीजिए। और बच्चे कह रहे हैं कि पीपीटी सर तुरंत भेज दीजिए, तो हम आपको सेंड कर रहे हैं, आप तुरंत भेज दीजिए। हाँ बच्चों का मैसेज है कि सर आप तुरंत पीपीटी भेज दीजिए, ठीक हो गया। हाँ